IPC मनीष गुप्ता द्वारा निर्देशित और लिखित एक सन 2021 भारतीय हिंदी भाषा की सस्पेंसर ड्रामा फिल्म है। जी स्टूडियो और राजेश केजरीवाल और गुरपाल सच्चर द्वारा प्रोडक्शन हाउस कैजुअल डिजिटल PM के साथ निर्मित है। इसमें विनय पाठक, रणवीर, शौरी, गुल पनाग और रोहन विनोद मेहरा प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का प्रीमियर 17 दिसंबर 2021 को G5 पर हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इसके मुख्य निर्देशक हैं मनीष गुप्ता और यह मनीष गुप्ता द्वारा लिखित कहानी है। इस फिल्म के निर्माता है जी स्टूडियोज़, राजेश केजरीवाल, गुरपाल सच्चर और इस फिल्म में अभिनय किया है विनय पाठक, रणवीर शौरी, गुल पनागी, रोहन विनोद मेहरा। इस फिल्म का छायाकार राज चक्रवर्ती ने किया और यह फिल्म अर्चित रस्तोगी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है दास गुप्ता की तरह और उत्पादन कंपनियां हैं इसकी जी स्टूडियो कैरियर डिजिटल PL। इस फिल्म को वितरित किया है Z5 ने और इसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 2021 है। इसका कार्यकारी समय 98 मिनट और यह भारत देश में हिंदी भाषा में वितरित की गई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बंसी केजवानी के इर्द गिर्द घूमते जिसे आर्थिक अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है। दंड संहिता 420 धोखाधड़ी से संबंधित है। इस फिल्म के फेंकना विनय पाठक एज बंसी केजवानी, पारसी लोक अभियोजन सावक जमशेद जी के रूप में रणवीर शौरी, पूजा के रूप में गुल पनाग, रोहन विनोद मेहरा, एस बीरबल चौधरी, नीरज सिन्हा के रूप में आरिफ चकारिया, अमित के रूप में शुष्कालका, न्यायाधीश के रूप में संजय गुरबख्शयानी। इसकी विज्ञप्ति Z5 ने 1 दिसंबर 2021 को ट्रेलर लॉन्च करने की घोषणा की और यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होगी। इस फिल्म का स्वागत समारोह ABP न्यूज़ के जोगिंदर स्टूडियो ने इसे 3.5/5 स्टार देते हुए कहा कि फिल्म एक यथार्थवादी नाटक है जो अब्बास मस्तान वर्ग के एक नाखून काटने वाले थ्रिलर को हो सकती है। फिल्म को करीब से देखे तो खासकर आखिरी 15 मिनट में इतनी जल्दी पूरी हो जाती है। कुल मिलकर फिल्म में एक रोमांचक घड़ी बनाने के लिए 90 मिनट के भीतर बहुत सारे विवरण भरे हुए हैं। द टाइम ऑफ इंडिया में हीरेन कोटवान ने फिल्म को एक आकर्षण घड़ी बताते हुए 3/5 स्टार दिए हैं और निर्देशक ने पहले फ्रेश से कहानी प्राप्त करने में फुटेज पर कोई समय बर्बाद नहीं किया और कुछ समय ट्विस्ट के साथ कहानी को कुशलता से संभाला है। यह बिना अंतराल या अनावश्यक उबाऊ तत्वों की एक अच्छी घड़ी है। जागरण के मनोज विशिष्ट ने यह कहते हुए 3/5 स्टार दिए हैं कि फिल्म एक बेहतरीन कोर्ट स्टोरी, अच्छा प्रदर्शन और बिना शेर के है। यह अधूरा या फैला हुआ नहीं दिखता है। सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को अच्छे अभिनय से न्याय दिया है और दृश्यों की सादगी और वास्तविकता प्रभावशाली थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। 420 IPC इंगेजिंग कोर्ट रूम ड्रामा है। विनय पाठक और रणवीर शौरी स्टार 420 IPC Z5 में रिलीज किया गया है। एडविस्ट सुभाष 3 दिसंबर 2021 420 IPC ट्रेलर रिलीज की तारीख OTT स्टार कॉस्ट कहानी और अधिक जागरण टाइम 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। 420 IPC ट्रेलर धोखाधड़ी के आरोपी एक अकाउंटेंट ने एक युवा वकील के साथ उद्धारकर्ता पाया है। OTT प्ले 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेता रणवीर शौरी के विषय में। रणवीर शौरी एक भारतीय अभिनेता और पूर्व VJ हैं जो हिंदी फिल्मों और टेलीविज़न में काम करते हैं। एक छोटी सी लव स्टोरी में उन्होंने अपनी शुरुआत के बाद से उन्होंने जिस्म और लक्ष्य जैसी कई हाई प्रोफाइल फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों जैसे ट्रैफिक सिग्नल, भेजा फ्राई और महत्वपूर्ण व्यावसायिक हिट मित्या में भी अभिनय किया है। रणवीर शौरी का जन्म जलंधर, पंजाब, भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता है और उनका सक्रिय वर्ष 2002 से वर्तमान तक है। उनके जीवन साथी कोकना सेन शर्मा है जिनसे उन्होंने 2010 में विवाह किया और 2020 में डिवोर्स लिया है। उनका एक बच्चा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं रणवीर शौरी के कैरियर के विषय में।
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अपने दोस्त और सह अभिनेता विनय पाठक के साथ की थी। वह सफल टॉक शो रणवीर विनय और कौन के होस्ट थे। द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो जो स्टार वन पर प्रसारित हुआ है, उन्होंने मनीषा कोइराला के साथ एक छोटी सी लव स्टोरी में अपनी शुरुआत की। इसके उनकी अगली फिल्म जिसमें हिट रही लेकिन उनकी एक छोटी भूमिका थी। यह सन 2006 तक नहीं थी। जब उन्हें कॉमेडी खोसला का घोसला में देखा गया तब उन्हें बहुत प्रशंसा मिली और उनकी हास्य भूमिका की भी प्रशंसा की गई। उन्होंने कॉमेडी प्यार के साइड इफेक्ट में राहुल बोस के साथ अपनी मजाकिया दोस्त के साथ के रूप में नानू की भूमिका निभाई। वह मल्टी स्टार हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड में दिखाई दी और लिमिटेड को मामूली रूप से सफल रहा। वह आजा नचली नामक यशराज फिल्म में दिखाई दी जिसमें नवंबर सन 2007 में रिलीज हुई थी। मिथ्या जिसे फरवरी सन 2008 में रिलीज किया गया था में उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में रणवीर शोरी है जो उन्हें समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। सन 2008 में रणवीर को अगली और पगली और बॉक्स ऑफिस हिट सिंह इज किंग जैसी फिल्मों में देखा गया था। उन्होंने 420 IPC मनीष गुप्ता द्वारा निर्देशित और लिखित एक सन 2021 भारतीय हिंदी भाषा की सस्पेंसर ड्रामा फिल्म है। जी स्टूडियो और राजेश केजरीवाल और गुरपाल सच्चर द्वारा प्रोडक्शन हाउस कैजुअल डिजिटल PM के साथ निर्मित है। इसमें विनय पाठक, रणवीर शोरी, गुल पनाग और रोहन विनोद मेहरा प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का प्रीमियर 17 दिसंबर 2021 को G5 पर हुआ है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इसके मुख्य निर्देशक हैं मनीष गुप्ता और यह मनीष गुप्ता द्वारा लिखित कहानी है। इस फिल्म के निर्माता है जी स्टूडियोज, राजेश केजरीवाल, गुरपाल सच्चर और इस फिल्म में अभिनय किया है विनय पाठक, रणवीर शोरी, गुल पानागी, रोहन विनोद मेहरा। इस फिल्म का छायाकार राज चक्रवर्ती ने किया है और यह फिल्म अर्चित रस्तोगी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है दास गुप्ता की तरह है और उत्पादन कंपनियां हैं इसकी जी स्टूडियो कैरियर डिजिटल PL। इस फिल्म को वितरित किया है Z5 ने और इसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 2021 है। इसका कार्यकारी समय 98 मिनट और यह भारत देश में हिंदी भाषा में वितरित की गई है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बंसी केजवानी के इर्द गिर्द घूमते जिसे आर्थिक अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है। दंड संहिता 420 धोखाधड़ी से संबंधित है। इस फिल्म के फेंकना विनय पाठक एज बंसी केजवानी, पारसी लोक अभियोजन सावक जमशेद जी के रूप में रणवीर शोरी, पूजा के रूप में गुल पनाग, रोहन विनोद मेहरा, एस बीरबल चौधरी, नीरज सिन्हा के रूप में आरिफ चकारिया, अमित के रूप में शुष्काल का, न्यायाधीश के रूप में संजय गुरबख्सियानी। इसकी विज्ञप्ति Z5 ने 1 दिसंबर 2021 को ट्रेलर लॉन्च करने की घोषणा की और यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होगी। इस फिल्म का स्वागत समारोह ABP न्यूज़ के जोगिंदर स्टूडियो ने इसे 3.5/5 स्टार देते हुए कहा कि फिल्म एक यथार्थवादी नाटक है जो अब्बास मस्तान वर्ग के एक नाखून काटने वाले थ्रिलर को हो सकती है। फिल्म को करीब से देखे तो खासकर आखिरी 15 मिनट में इतनी जल्दी पूरी हो जाती है। कुल मिलकर फिल्म में एक रोमांचक घड़ी बनाने के लिए 90 मिनट के भीतर बहुत सारे विवरण भरे हुए हैं। द टाइम ऑफ इंडिया में हीरेन कोटवान ने फिल्म को एक आकर्षण घड़ी बताते हुए 3/5 स्टार दिए हैं और निर्देशक ने पहले फ्रेंड से कहानी प्राप्त करने में फुटेज पर कोई समय बर्बाद नहीं किया और कुछ समय ट्विस्ट के साथ कहानी को कुशलता से संभाला है। यह बिना अंतराल या अनावश्यक उबाऊ तत्वों के एक अच्छी घड़ी है। जागरण के मनोज विशिष्ट ने यह कहते हुए 3/5 स्टार दिए हैं कि फिल्म एक बेहतरीन कोर्ट स्टोरी, अच्छा प्रदर्शन और बिना शेर के है। यह अधूरा या फैला हुआ नहीं दिखता है। सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को अच्छे अभिनय से न्याय दिया है और दृश्यों की सादगी और वास्तविकता प्रभावशाली थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। 420 IPC इंगेजिंग कोर्ट रूम ड्रामा है। विनय पाठक और रणवीर शोरी स्टार 420 IPC Z5 में रिलीज किया गया है। एडबिस्ट सुभाष 3 दिसंबर 2021 420 IPC ट्रेलर रिलीज की तारीख OTT स्टार कॉस्ट कहानी और अधिक जागरण टाइम 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है।
420 आईपीसी ट्रेलर धोखाधड़ी के आरोपी एक अकाउंटेंट ने एक युवा वकील के साथ उधारकर्ता पाया है। ओटीटीप्ले 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेता रणवीर शौरी के विषय में। रणवीर शौरी एक भारतीय अभिनेता और पूर्व विजय हैं जो हिंदी फिल्मों और टेलीविज़न में काम करते हैं। एक छोटी सी लव स्टोरी में उन्होंने अपनी शुरुआत के बाद से उन्होंने जिस्म और लक्ष्य जैसी कई हाई प्रोफाइल फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों जैसे ट्रैफिक सिग्नल, भेजा फ्राई और महत्वपूर्ण व्यावसायिक हिट मिथ्या में भी अभिनय किया है। रणवीर शौरी का जन्म जलंधर पंजाब भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता है और उनका सक्रिय वर्ष 2002 से वर्तमान तक है। उनके जीवन साथी कोकना सेन शर्मा है जिनसे उन्होंने 2010 में विवाह किया और 2020 में भी डिवोर्स लिया है। उनका एक बच्चा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं रणवीर शौरी के कैरियर के विषय में। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत अपने दोस्त और सह अभिनेता विनय पाठक के साथ की थी। वह सफल टॉक शो रणवीर विनय और कौन के होस्ट थे द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो जो स्टार वन पर प्रसारित हुआ है। उन्होंने मनीषा कोइराला के साथ एक छोटी सी लव स्टोरी में अपनी शुरुआत की। इसके उनकी अगली फिल्म जिसमें हिट रही लेकिन उनकी एक छोटी भूमिका थी। यह 2006 तक नहीं थी। जब उन्हें कॉमेडी खोसला का घोषणा में देखा गया तब उन्हें बहुत प्रशंसा मिली और उनकी हास्य भूमिका की भी प्रशंसा की गई। उन्होंने कॉमेडी प्यार के साइड इफेक्ट में राहुल बोस के साथ अपनी मजाकिया दोस्त के साथ के रूप में नानू की भूमिका निभाई। वह मल्टी स्टार हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड में दिखाई दी और लिमिटेड को मामूली रूप से सफल रहा। वह आजा नचली नामक यशराज फिल्म में दिखाई दी जिसमें 2007 में रिलीज हुई थी। मिथ्या जिसे 2008 में रिलीज किया गया था में उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में रणवीर शौरी हैं जो उन्हें समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। 2008 में रणवीर को अगली और पगली और बॉक्स ऑफिस हिट सिंग इज किंग जैसी फिल्मों में देखा गया था। उन्होंने 420 आईपीसी मनीष गुप्ता द्वारा निर्देशित और लिखित एक 2021 भारतीय हिंदी भाषा की सस्पेंशन ड्रामा फिल्म है। जी स्टूडियो और राजेश केजरीवाल और गुरपाल सच्चर द्वारा प्रोडक्शन हाउस कैजुअल डिजिटल पीएम के साथ निर्मित है। इसमें विनय पाठक, रणवीर शौरी, गुल पनाग और रोहन विनोद मेहरा प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का प्रीमियर 17 दिसंबर 2021 को G5 पर हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इसके मुख्य निर्देशक हैं मनीष गुप्ता और यह मनीष गुप्ता द्वारा लिखित कहानी है। इस फिल्म के निर्माता है जी स्टूडियोज़, राजेश केजरीवाल, गुरपाल सच्चर और इस फिल्म में अभिनय किया है विनय पाठक, रणवीर शौरी, गुल पनागी, रोहन विनोद मेहरा। इस फिल्म का छायाकार राज चक्रवर्ती ने किया है और यह फिल्म अर्चित रस्तोगी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है दास गुप्ता की तरह है और उत्पादन कंपनियां हैं इसकी जी स्टूडियो कैरियर डिजिटल PL। इस फिल्म को वितरित किया है Z5 ने और इसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 2021 है। इसका कार्यकारी समय 98 मिनट और यह भारत देश में हिंदी भाषा में वितरित की गई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बंसी केजवानी के इर्द गिर्द घूमते जिसे आर्थिक अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है। दंड संहिता 420 धोखाधड़ी से संबंधित है। इस फिल्म के फेंकना विनय पाठक एज बंसी केजवानी, पारसी लोक अभियोजन सावक जमशेद जी के रूप में रणवीर शौरी, पूजा के रूप में गुल पनाग, रोहन विनोद मेहरा, एस बीरबल चौधरी, नीरज सिन्हा के रूप में आरिफ चकारिया, अमित के रूप में शुष्काल का न्यायाधीश के रूप में संजय गुरबक्सयानी। इसकी विज्ञप्ति Z5 ने 1 दिसंबर 2021 को ट्रेलर लॉन्च करने की घोषणा की और यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होगी। इस फिल्म का स्वागत समारोह ABP न्यूज़ के जोगिंदर स्टूडियो ने इसे 3.5/5 स्टार देते हुए कहा कि फिल्म एक यथार्थवादी नाटक है जो अब्बास मस्तान वर्ग के एक नाखून काटने वाले थ्रिलर को हो सकती है। फिल्म को करीब से देखें तो खासकर आखिरी 15 मिनट में
इतनी जल्दी पूरी हो जाती है। कुल मिलकर फिल्म में एक रोमांचक घड़ी बनाने के लिए 90 मिनट के भीतर बहुत सारे विवरण भरे हुए हैं। द टाइम ऑफ इंडिया में हीरेन कोटवानी ने फिल्म को एक आकर्षण घड़ी बताते हुए 3/5 स्टार दिए हैं और निर्देशक ने पहले फ्रेश से कहानी प्राप्त करने में फुटेज पर कोई समय बर्बाद नहीं किया और कुछ समय ट्विस्ट के साथ कहानी को कुशलता से संभाला है। यह बिना अंतराल या अनावश्यक उबाऊ तत्वों के एक अच्छी घड़ी है। जागरण के मनोज विशिष्ट ने यह कहते हुए 3/5 स्टार दी हैं कि फिल्म एक बेहतरीन कोर्ट स्टोरी, अच्छा प्रदर्शन और बिना शेर के है। यह अधूरा या फैला हुआ नहीं दिखता है। सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को अच्छे अभिनय से न्याय दिया है और दृश्यों की सादगी और वास्तविकता प्रभावशाली थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। 420 IPC इंगेजिंग कोर्ट रूम ड्रामा है। विनय पाठक और रणवीर सूरी स्टार 420 IPC Z5 में रिलीज किया गया है। एडविस्ट सुभाष 3 दिसंबर 2021 420 IPC ट्रेलर रिलीज की तारीख OTT स्टार कॉस्ट कहानी और अधिक जागरण टाइम 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। 420 IPC ट्रेलर धोखाधड़ी के आरोपी एक अकाउंटेंट ने एक युवा वकील के साथ उधारकर्ता पाया है। OTT प्ले 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेता रणवीर शौरी के विषय में। रणवीर शौरी एक भारतीय अभिनेता और पूर्व VJ हैं जो हिंदी फिल्मों और टेलीविज़न में काम करते हैं। एक छोटी सी लव स्टोरी में उन्होंने अपनी शुरुआत के बाद से उन्होंने जिस्म और लक्ष्य जैसी कई हाई प्रोफाइल फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों जैसे ट्रैफिक सिग्नल, भेजा फ्राई और महत्वपूर्ण व्यावसायिक हिट मिथ्या में भी अभिनय किया है। रणवीर शौरी का जन्म जलंधर पंजाब भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता है और उनका सक्रिय वर्ष 2002 से वर्तमान तक है। उनके जीवन साथी कोकना सेन शर्मा है जिनसे उन्होंने 2010 में विवाह किया और 2020 में डिवोर्स लिया है। उनका एक बच्चा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं रणवीर शौरी के कैरियर के विषय में। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत अपने दोस्त और सह अभिनेता विनय पाठक के साथ की थी। वह सफल टॉक शो रणवीर, विनय और कौन के होस्ट थे। द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो जो स्टार 1 पर प्रसारित हुआ है। उन्होंने मनीषा कोइराला के साथ एक छोटी सी लव स्टोरी में अपनी शुरुआत की। इसके उनकी अगली फिल्म जिसमें हिट रही लेकिन उनकी एक छोटी भूमिका थी। यह 2006 तक नहीं थी। जब उन्हें कॉमेडी खोसला का घोसला में देखा गया तब उन्हें बहुत प्रशंसा मिली और उनकी हास्य भूमिका की भी प्रशंसा की गई। उन्होंने कॉमेडी प्यार के साइड इफेक्ट में राहुल बोस के साथ अपनी मजाकिया दोस्त के साथ के रूप में नानू की भूमिका निभाई। वह मल्टी स्टार हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड में दिखाई दी और लिमिटेड को मामूली रूप से सफल रहा। वह आजा नचली नामक यशराज फिल्म में दिखाई दी जिसमें 2007 में रिलीज हुई थी। मिथ्या जिसे 2008 में रिलीज किया गया था में उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में रणवीर शौरी हैं जो उन्हें समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। 2008 में रणवीर को अगली और पगली और बॉक्स ऑफिस हिट सिंग इज किंग जैसी फिल्मों में देखा गया था। उन्होंने 420 IPC मनीष गुप्ता द्वारा निर्देशित और लिखित एक 2021 भारतीय हिंदी भाषा की सस्पेंशन ड्रामा फिल्म है। जी स्टूडियो और राजेश केजरीवाल और गुरपाल सच्चर द्वारा प्रोडक्शन हाउस कैजुअल डिजिटल PM के साथ निर्मित है। इसमें विनय पाठक, रणवीर शौरी, गुल पनाग और रोहन विनोद मेहरा प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का प्रीमियर 17 दिसंबर 2021 को G5 पर हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इसके मुख्य निर्देशक हैं मनीष गुप्ता और यह मनीष गुप्ता द्वारा लिखित कहानी है। इस फिल्म के निर्माता है जी स्टूडियोज़, राजेश केजरीवाल, गुरपाल सच्चर और इस फिल्म में अभिनय किया है विनय पाठक, रणवीर शौरी, गुल पनागी, रोहन विनोद मेहरा। इस फिल्म का छायाकार राज चक्रवर्ती ने किया है और यह फिल्म अर्चित रस्तोगी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है दास गुप्ता की तरह और उत्पादन कंपनियां हैं इसकी जी स्टूडियो कैरियर डिजिटल PL। इस फिल्म को वितरित किया है Z5 और इसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 2021 है। इसका कार्यकारी समय 98 मिनट और यह भारत देश में
हिंदी भाषा में वितरित की गई है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बंसी केजवानी के इर्द गिर्द घूमते जिसे आर्थिक अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है। दंड संहिता 420 धोखाधड़ी से संबंधित है। इस फिल्म के फेकना विनय पाठक एज बंसी केजवानी, पारसी लोक अभियोजन सावक जमशेद जी के रूप में रणवीर शोरी, पूजा के रूप में गुलपनाग, रोहन विनोद मेहरा, एस बीरबल चौधरी, नीरज सिन्हा के रूप में आरिफ जकारिया, अमित के रूप में शुष्काल का, न्यायाधीश के रूप में संजय गुरबख्शयानी। इसकी विज्ञप्ति Z5 ने 1 दिसंबर 2021 को ट्रेलर लॉन्च करने की घोषणा की और यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होगी। इस फिल्म का स्वागत समारोह ABP न्यूज़ के जोगिंदर स्टूडियो ने इसे 3.5/5 स्टार देते हुए कहा कि फिल्म एक यथार्थवादी नाटक है जो अब्बास मस्तान वर्ग के एक नाखून काटने वाले थ्रिलर को हो सकती है। फिल्म को करीब से देखें तो खासकर आखिरी 15 मिनट में इतनी जल्दी पूरी हो जाती है। कुल मिलकर फिल्म में एक रोमांचक घड़ी बनाने के लिए 90 मिनट के भीतर बहुत सारे विवरण भरे हुए हैं। द टाइम ऑफ इंडिया में हीरेन कोटवानी ने फिल्म को एक आकर्षण घड़ी बताते हुए 3/5 स्टार दिए हैं और निर्देशक ने पहले फ्रेश से कहानी प्राप्त करने में फुटेज पर कोई समय बर्बाद नहीं किया और कुछ समय ट्विस्ट के साथ कहानी को कुशलता से संभाला है। यह बिना अंतराल या अनावश्यक उबाऊ तत्वों की एक अच्छी घड़ी है। जागरण के मनोज विशिष्ट ने यह कहते हुए 3/5 स्टार दिए हैं कि फिल्म एक बेहतरीन कोर्ट स्टोरी, अच्छा प्रदर्शन और बिना शेर के है। यह अधूरा या फैला हुआ नहीं दिखता है। सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को अच्छे अभिनय से न्याय दिया है और दृश्यों की सादगी और वास्तविकता प्रभावशाली थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। 420 IPC इंगेजिंग कोर्ट रूम ड्रामा है। विनय पाठक और रणवीर शोरी स्टार 420 IPC Z5 में रिलीज किया गया है। एडविस्ट सुभाष 3 दिसंबर 2021 420 IPC ट्रेलर रिलीज की तारीख OTT स्टार कॉस्ट कहानी और अधिक जागरण टाइम 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। 420 IPC ट्रेलर धोखाधड़ी के आरोपी एक अकाउंटेंट ने एक युवा वकील के साथ उद्धारकर्ता पाया है। OTT प्ले 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेता रणवीर शोरी के विषय में। रणवीर शोरी एक भारतीय अभिनेता और पूर्व VJ हैं जो हिंदी फिल्मों और टेलीविज़न में काम करते हैं। एक छोटी सी लव स्टोरी में उन्होंने अपनी शुरुआत के बाद से उन्होंने जिस्म और लक्ष्य जैसी कई हाई प्रोफाइल फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों जैसे ट्रैफिक सिग्नल, भेजा फ्राई और महत्वपूर्ण व्यावसायिक हिट मित्या में भी अभिनय किया है। रणवीर शोरी का जन्म जलंधर पंजाब भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता है और उनका सक्रिय वर्ष 2002 से वर्तमान तक है। उनकी जीवन साथी कोकना सेन शर्मा है जिनसे उन्होंने 2010 में विवाह किया और 2020 में डिवोर्स लिया है। उनका एक बच्चा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं रणवीर शोरी के कैरियर के विषय में। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत अपने दोस्त और सह अभिनेता विनय पाठक के साथ की थी। वह सफल टॉक शो रणवीर, विनय और कौन के होस्ट थे। द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो जो Star 1 पर प्रसारित हुआ है। उन्होंने मनीषा कोइराला के साथ एक छोटी सी लव स्टोरी में अपनी शुरुआत की। उनकी अगली फिल्म जिसमें हिट रही लेकिन उनकी एक छोटी भूमिका थी। यह 2006 तक नहीं थी। जब उन्हें कॉमेडी खोसला का घोषणा में देखा गया तब उन्हें बहुत प्रशंसा मिली और उनकी हास्य भूमिका की भी प्रशंसा की गई। उन्होंने कॉमेडी प्यार के साइड इफेक्ट में राहुल बोस के साथ अपनी मजाकिया दोस्त के साथ के रूप में नानू की भूमिका निभाई। वह मल्टी स्टार हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड में दिखाई दी और लिमिटेड को मामूली रूप से सफल रहा। वह आजा नचली नामक यशराज फिल्म में दिखाई दी जिसमें नवंबर 2007 में रिलीज हुई थी। मिथ्या जिसे फरवरी 2008 में रिलीज किया गया था में उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में रणवीर शोरी हैं जो उन्हें समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। 2008 में रणवीर को अगली और पगली और बॉक्स ऑफिस हिट सिंग इज किंग जैसी फिल्मों में देखा गया था। उन्होंने
IPC मनीष गुप्ता द्वारा निर्देशित और लिखित एक 2021 भारतीय हिंदी भाषा की सस्पेंसर ड्रामा फिल्म है। जी स्टूडियो और राजेश केजरीवाल और गुरपाल सच्चर द्वारा प्रोडक्शन हाउस कैजुअल डिजिटल PM के साथ निर्मित है। इसमें विनय पाठक, रणवीर शौरी, गुल पनाग और रोहन विनोद मेहरा प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का प्रीमियर 17 दिसंबर 2021 को G5 पर हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इसके मुख्य निर्देशक हैं मनीष गुप्ता और यह मनीष गुप्ता द्वारा लिखित कहानी है। इस फिल्म के निर्माता है जी स्टूडियोज़, राजेश केजरीवाल, गुरपाल सच्चर और इस फिल्म में अभिनय किया है विनय पाठक, रणवीर शौरी, गुल पनागी, रोहन विनोद मेहरा। इस फिल्म का छायाकार राज चक्रवर्ती ने किया और यह फिल्म अर्चित रस्तोगी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है दास गुप्ता की तरह और उत्पादन कंपनियां हैं इसकी जी स्टूडियोज़, कैरियर डिजिटल PL। इस फिल्म को वितरित किया है Z5 ने और इसकी रिलीज़ की तारीख 17 दिसंबर 2021 है। इसका कार्यकारी समय 98 मिनट और यह भारत देश में हिंदी भाषा में वितरित की गई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बंसी केजवानी के इर्द गिर्द घूमते जिसे आर्थिक अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है। दंड संहिता 420 धोखाधड़ी से संबंधित है। इस फिल्म के फेकना विनय पाठक एज बंसी केजवानी, पारसी लोक अभियोजन सावक जमशेद जी के रूप में रणवीर शौरी, पूजा के रूप में गुल पनाग, रोहन विनोद मेहरा, एस बीरबल चौधरी, नीरज सिन्हा के रूप में आरिफ जकारिया, अमित के रूप में शुष्कालका, न्यायाधीश के रूप में संजय गुरबख्सयानी। इसकी विज्ञप्ति Z5 ने 1 दिसंबर 2021 को ट्रेलर लॉन्च करने की घोषणा की और यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होगी। इस फिल्म का स्वागत समारोह ABP न्यूज़ के जोगिंदर स्टूडियो ने इसे 3.5/5 स्टार देते हुए कहा कि फिल्म एक यथार्थवादी नाटक है जो अब्बास मस्तान वर्ग के एक नाखून काटने वाले थ्रिलर को हो सकती है। फिल्म को करीब से देखे तो खासकर आखिरी 15 मिनट में इतनी जल्दी पूरी हो जाती है। कुल मिलकर फिल्म में एक रोमांचक घड़ी बनाने के लिए 90 मिनट के भीतर बहुत सारे विवरण भरे हुए हैं। द टाइम ऑफ इंडिया में हीरेन कोटवानी ने फिल्म को एक आकर्षण घड़ी बताते हुए 3/5 स्टार दिए हैं और निर्देशक ने पहले फ्रेश से कहानी प्राप्त करने में फुटेज पर कोई समय बर्बाद नहीं किया और कुछ समय ट्विस्ट के साथ कहानी को कुशलता से संभाला है। यह बिना अंतराल या अनावश्यक उबाऊ तत्वों की एक अच्छी घड़ी है। जागरण के मनोज विशिष्ट ने यह कहते हुए 3/5 स्टार दी हैं कि फिल्म एक बेहतरीन कोर्ट स्टोरी, अच्छा प्रदर्शन और बिना शेर के है। यह अधूरा या फैला हुआ नहीं दिखता है। सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को अच्छे अभिनय से न्याय दिया है और दृश्यों की सादगी और वास्तविकता प्रभावशाली थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। 420 IPC इंगेजिंग कोर्ट रूम ड्रामा है। विनय पाठक और रणवीर शौरी स्टार 420 IPC Z5 में रिलीज किया गया है। एडविस्ट सुभाष 3 दिसंबर 2021, 420 IPC ट्रेलर रिलीज की तारीख, OTT स्टार कॉस्ट कहानी और अधिक जागरण टाइम 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। 420 IPC ट्रेलर धोखाधड़ी के आरोपी एक अकाउंटेंट ने एक युवा वकील के साथ उद्धारकर्ता पाया है। OTT प्ले 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेता रणवीर शौरी के विषय में। रणवीर शौरी एक भारतीय अभिनेता और पूर्व VJ हैं जो हिंदी फिल्मों और टेलीविज़न में काम करते हैं। एक छोटी सी लव स्टोरी में उन्होंने अपनी शुरुआत के बाद से उन्होंने जिस्म और लक्ष्य जैसी कई हाई प्रोफाइल फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों जैसे ट्रैफिक सिग्नल, भेजा फ्राई और महत्वपूर्ण व्यावसायिक हिट मित्या में भी अभिनय किया है। रणवीर शौरी का जन्म जलंधर पंजाब भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता है और उनका सक्रिय वर्ष 2002 से वर्तमान तक है। उनके जीवन साथी कोकना सेन शर्मा है जिनसे उन्होंने 2010 में विवाह किया और 2020 में डिवोर्स लिया है। उनका एक बच्चा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं रणवीर शौरी के कैरियर के विषय में।
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अपने दोस्त और सह अभिनेता विनय पाठक के साथ की थी। वह सफल टॉक शो रणवीर विनय और कौन के होस्ट थे, द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो जो स्टार वन पर प्रसारित हुआ है। उन्होंने मनीषा कोइराला के साथ एक छोटी सी लव स्टोरी में अपनी शुरुआत की। इसके उनकी अगली फिल्म जिसमें हिट रही लेकिन उनकी एक छोटी भूमिका थी। यह सन 2006 तक नहीं थी। जब उन्हें कॉमेडी खोसला का घोसला में देखा गया तब उन्हें बहुत प्रशंसा मिली और उनकी हास्य भूमिका की भी प्रशंसा की गई। उन्होंने कॉमेडी प्यार के साइड इफेक्ट में राहुल बोस के साथ अपनी मजाकिया दोस्त के साथ के रूप में नानू की भूमिका निभाई। वह मल्टी स्टार हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड में दिखाई दी और लिमिटेड को मामूली रूप से सफल रहा। वह आजा नचली नामक यशराज फिल्म में दिखाई दी जिसमें नवंबर 2007 में रिलीज हुई थी। मिथ्या जिसे फरवरी 2008 में रिलीज किया गया था में उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में रणवीर शोरी है जो उन्हें समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। 2008 में रणवीर को अगली और पगली और बॉक्स ऑफिस हिट सिंह इज किंग जैसी फिल्मों में देखा गया था। उन्होंने 420 IPC मनीष गुप्ता द्वारा निर्देशित और लिखित एक 2021 भारतीय हिंदी भाषा की सस्पेंस ड्रामा फिल्म है। जी स्टूडियो और राजेश केजरीवाल और गुरपाल सच्चर द्वारा प्रोडक्शन हाउस कैजुअल डिजिटल PM के साथ निर्मित है। इसमें विनय पाठक, रणवीर शोरी, गुल पनाग और रोहन विनोद मेहरा प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का प्रीमियर 17 दिसंबर 2021 को G5 पर हुआ है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इसके मुख्य निर्देशक हैं मनीष गुप्ता और यह मनीष गुप्ता द्वारा लिखित कहानी है। इस फिल्म के निर्माता है जी स्टूडियोज़, राजेश केजरीवाल, गुरपाल सच्चर और इस फिल्म में अभिनय किया है विनय पाठक, रणवीर शोरी, गुल पानागी, रोहन विनोद मेहरा। इस फिल्म का छायाकार राज चक्रवर्ती ने किया और यह फिल्म अर्चित रस्तोगी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है दास गुप्ता की तरह और उत्पादन कंपनियां हैं इसकी जी स्टूडियो कैरियर डिजिटल PL। इस फिल्म को वितरित किया है Z5 ने और इसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 2021 है। इसका कार्यकारी समय 98 मिनट और यह भारत देश में हिंदी भाषा में वितरित की गई है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बंसी केजवानी के इर्द गिर्द घूमते जिसे आर्थिक अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है। दंड संहिता 420 धोखाधड़ी से संबंधित है। इस फिल्म के फेकना विनय पाठक एज बंसी केजवानी, पारसी लोक कभी उसम सावक जमशेद जी के रूप में रणवीर शोरी, पूजा के रूप में गुल पनाग, रोहन विनोद मेहरा, एस बीरबल चौधरी, नीरज सिन्हा के रूप में आरिफ जकारिया, अमित के रूप में शुष्कालका, न्यायाधीश के रूप में संजय गुरबख्शयानी। इसकी विज्ञप्ति Z5 ने 1 दिसंबर 2021 को ट्रेलर लॉन्च करने की घोषणा की और यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होगी। इस फिल्म का स्वागत समारोह ABP न्यूज़ के जोगिंदर स्टूडियो ने इसे 3.5/5 स्टार देते हुए कहा कि फिल्म एक यथार्थवादी नाटक है जो अब्बास मस्तान वर्ग के एक नाखून काटने वाले थ्रिलर को हो सकती है। फिल्म को करीब से देखे तो खासकर आखिरी 15 मिनट में इतनी जल्दी पूरी हो जाती है। कुल मिलकर फिल्म में एक रोमांचक घड़ी बनाने के लिए 90 मिनट के भीतर बहुत सारे विवरण भरे हुए हैं। द टाइम ऑफ इंडिया में हीरेन कोटवान ने फिल्म को एक आकर्षण घड़ी बताते हुए 3/5 स्टार दिए हैं और निर्देशक ने पहले फ्रेश से कहानी प्राप्त करने में फुटेज पर कोई समय बर्बाद नहीं किया और कुछ समय ट्विस्ट के साथ कहानी को कुशलता से संभाला है। यह बिना अंतराल या अनावश्यक उबाऊ तत्वों की एक अच्छी घड़ी है। जागरण के मनोज विशिष्ट ने यह कहते हुए 3/5 स्टार दी हैं कि फिल्म एक बेहतरीन कोर्ट स्टोरी, अच्छा प्रदर्शन और बिना शेर के है। यह अधूरा या फैला हुआ नहीं दिखता है। सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को अच्छे अभिनय से न्याय दिया है और दृश्यों की सादगी और वास्तविकता प्रभावशाली थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। 420 IPC इंगेजिंग कोर्ट रूम ड्रामा है। विनय पाठक और रणवीर शोरी स्टार 420 IPC Z5 में रिलीज किया गया है। एडबिस्ट सुभाष 3 दिसंबर 2021 420 IPC ट्रेलर रिलीज की तारीख OTT स्टार कॉस्ट कहानी और अधिक जागरण टाइम 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है।
420 आईपीसी ट्रेलर धोखाधड़ी के आरोपी एक अकाउंटेंट ने एक युवा वकील के साथ उधारकर्ता पाया है। ओटी टिप्पले 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेता रणवीर शौरी के विषय में। रणवीर शौरी एक भारतीय अभिनेता और पूर्व वीजे हैं जो हिंदी फिल्मों और टेलीविज़न में काम करते हैं। एक छोटी सी लव स्टोरी में उन्होंने अपनी शुरुआत के बाद से उन्होंने जिस्म और लक्ष्य जैसी कई हाई प्रोफाइल फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों जैसे ट्रैफिक सिग्नल, भेजा फ्राई और महत्वपूर्ण व्यावसायिक हिट मित्या में भी अभिनय किया है। रणवीर शौरी का जन्म जलंधर पंजाब भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता है और उनका सक्रिय वर्ष 2002 से वर्तमान तक है। उनकी जीवन साथी कोकना सेन शर्मा है जिनसे उन्होंने 2010 में विवाह किया और 2020 में डिवोर्स लिया है। उनका एक बच्चा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं रणवीर शौरी के कैरियर के विषय में। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत अपने दोस्त और सह अभिनेता विनय पाठक के साथ की थी। वह सफल टॉक शो रणवीर, विनय और कौन के होस्ट थे द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो जो स्टार वन पर प्रसारित हुआ है। उन्होंने मनीषा कोइराला के साथ एक छोटी सी लव स्टोरी में अपनी शुरुआत की। इसके उनकी अगली फिल्म जिसमें हिट रही लेकिन उनकी एक छोटी भूमिका थी। यह 2006 तक नहीं थी। जब उन्हें कॉमेडी खोसला का घोसला में देखा गया तब उन्हें बहुत प्रशंसा मिली और उनकी हास्य भूमिका की भी प्रशंसा की गई। उन्होंने कॉमेडी प्यार के साइड इफेक्ट में राहुल बोस के साथ अपनी मजाकिया दोस्त के साथ के रूप में नानू की भूमिका निभाई। वह मल्टी स्टार हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड में दिखाई दी और लिमिटेड को मामूली रूप से सफल रहा। वह आजा नचली नामक यशराज फिल्म में दिखाई दी जिसमें 2007 में रिलीज़ हुई थी। मिथ्या जिसे 2008 में रिलीज़ किया गया था में उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में रणवीर शौरी हैं जो उन्हें समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। 2008 में रणवीर को अगली और पगली और बॉक्स ऑफिस हिट सिंह इज किंग जैसी फिल्मों में देखा गया था। उन्होंने 420 आईपीसी मनीष गुप्ता द्वारा निर्देशित और लिखित एक 2021 भारतीय हिंदी भाषा की सस्पेंसर ड्रामा फिल्म है। जी स्टूडियो और राजेश केजरीवाल और गुरपाल सच्चर द्वारा प्रोडक्शन हाउस कैजुअल डिजिटल पीएम के साथ निर्मित है। इसमें विनय पाठक, रणवीर शौरी, गुल पनाग और रोहन विनोद मेहरा प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का प्रीमियर 17 दिसंबर 2021 को G5 पर हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इसके मुख्य निर्देशक हैं मनीष गुप्ता और यह मनीष गुप्ता द्वारा लिखित कहानी है। इस फिल्म के निर्माता है जी स्टूडियोज और राजेश केजरीवाल, गुरपाल सच्चर और इस फिल्म में अभिनय किया है विनय पाठक, रणवीर शौरी, गुल पानागी, रोहन विनोद मेहरा। इस फिल्म का छायाकार राज चक्रवर्ती ने किया और यह फिल्म अर्चित रस्तोगी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है दास गुप्ता की तरह और उत्पादन कंपनियां हैं इसकी जी स्टूडियो कैरियर डिजिटल PL। इस फिल्म को वितरित किया है Z5 ने और इसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 2021 है। इसका कार्यकारी समय 98 मिनट और यह भारत देश में हिंदी भाषा में वितरित की गई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बंसी केजवानी के इर्द गिर्द घूमते जिसे आर्थिक अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है। दंड संहिता 420 धोखाधड़ी से संबंधित है। इस फिल्म के फेंकना विनय पाठक एज बंसी केजवानी, पारसी लोक कभी उसन सावक जमशेद जी के रूप में रणवीर शौरी, पूजा के रूप में गुल पनाग, रोहन विनोद मेहरा एस बीरबल चौधरी, नीरज सिन्हा के रूप में आरिफ जकारिया, अमित के रूप में शुष्कालका, न्यायाधीश के रूप में संजय गुरबख्सियानी। इसकी विज्ञप्ति Z5 ने 1 दिसंबर 2021 को ट्रेलर लॉन्च करने की घोषणा की और यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होगी। इस फिल्म का स्वागत समारोह ABP न्यूज़ के जोगिंदर स्टूडियो ने इसे 3.5/5 स्टार देते हुए कहा कि फिल्म एक यथार्थवादी नाटक है जो अब्बास मस्तान वर्ग के एक नाखून काटने वाले थ्रिलर को हो सकती है। फिल्म को करीब से देखें तो खासकर आखिरी 15 मिनट में
इतनी जल्दी पूरी हो जाती है। कुल मिलकर फिल्म में एक रोमांचक घड़ी बनाने के लिए 90 मिनट के भीतर बहुत सारे विवरण भरे हुए हैं। द टाइम ऑफ इंडिया में हीरेन कोटवानी ने फिल्म को एक आकर्षण घड़ी बताते हुए 3/5 स्टार दिए हैं और निर्देशक ने पहले फ्रेज से कहानी प्राप्त करने में फुटेज पर कोई समय बर्बाद नहीं किया और कुछ समय ट्विस्ट के साथ कहानी को कुशलता से संभाला है। यह बिना अंतराल या अनावश्यक उबाऊ तत्वों की एक अच्छी घड़ी है। जागरण के मनोज विशिष्ट ने यह कहते हुए 3/5 स्टार दी हैं कि फिल्म एक बेहतरीन कोर्ट स्टोरी, अच्छा प्रदर्शन और बिना शेर के है। यह अधूरा या फैला हुआ नहीं दिखता है। सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को अच्छे अभिनय से न्याय दिया है और दृश्यों की सादगी और वास्तविकता प्रभावशाली थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। 420 IPC इंगेजिंग कोर्ट रूम ड्रामा है। विनय पाठक और रणवीर सूरी स्टार 420 IPC Zee5 में रिलीज किया गया है। एडबिस्ट सुभाष 3 दिसंबर 2021 420 IPC ट्रेलर रिलीज की तारीख OTT स्टार कॉस्ट कहानी और अधिक जागरण टाइम 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। 420 IPC ट्रेलर धोखाधड़ी के आरोपी एक अकाउंटेंट ने एक युवा वकील के साथ उद्धारकर्ता पाया है। OTT प्ले 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेता रणवीर शोरी के विषय में। रणवीर शोरी एक भारतीय अभिनेता और पूर्व VJ हैं जो हिंदी फिल्मों और टेलीविज़न में काम करते हैं। एक छोटी सी लव स्टोरी में उन्होंने अपनी शुरुआत के बाद से उन्होंने जिस्म और लक्ष्य जैसी कई हाई प्रोफाइल फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों जैसे ट्रैफिक सिग्नल, भेजा फ्राई और महत्वपूर्ण व्यावसायिक हिट मित्या में भी अभिनय किया है। रणवीर शोरी का जन्म जलंधर पंजाब भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता है और उनका सक्रिय वर्ष 2002 से वर्तमान तक है। उनकी जीवन साथी कोकना सेन शर्मा है जिनसे उन्होंने 2010 में विवाह किया और 2020 में डिवोर्स लिया है। उनका एक बच्चा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं रणवीर शोरी के कैरियर के विषय में। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत अपने दोस्त और सह अभिनेता विनय पाठक के साथ की थी। वह सफल टॉक शो रणवीर, विनय और कौन के होस्ट थे। द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो जो स्टार 1 पर प्रसारित हुआ है। उन्होंने मनीषा कोइराला के साथ एक छोटी सी लव स्टोरी में अपनी शुरुआत की। इसके उनकी अगली फिल्म जिसमें हिट रही लेकिन उनकी एक छोटी भूमिका थी। यह 2006 तक नहीं थी। जब उन्हें कॉमेडी खोसला का घोसला में देखा गया तब उन्हें बहुत प्रशंसा मिली और उनकी हास्य भूमिका की भी प्रशंसा की गई। उन्होंने कॉमेडी प्यार के साइड इफेक्ट में राहुल बोस के साथ अपनी मजाकिया दोस्त के साथ के रूप में नानू की भूमिका निभाई। वह मल्टी स्टार हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड में दिखाई दी और लिमिटेड को मामूली रूप से सफल रहा। वह आजा नचली नामक यशराज फिल्म में दिखाई दी जिसमें 2007 में रिलीज हुई थी। मिथ्या जिसे 2008 में रिलीज किया गया था में उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में रणवीर शोरी है जो उन्हें समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। 2008 में रणवीर को अगली और पगली और बॉक्स ऑफिस हिट सिंग इज किंग जैसी फिल्मों में देखा गया था। उन्होंने 420 IPC मनीष गुप्ता द्वारा निर्देशित और लिखित एक 2021 भारतीय हिंदी भाषा की सस्पेंसर ड्रामा फिल्म है। जी स्टूडियो और राजेश केजरीवाल और गुरपाल सच्चर द्वारा प्रोडक्शन हाउस कैजुअल डिजिटल PM के साथ निर्मित है। इसमें विनय पाठक, रणवीर शोरी, गुल पनाग और रोहन विनोद मेहरा प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का प्रीमियर 17 दिसंबर 2021 को Zee5 पर हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इसके मुख्य निर्देशक हैं मनीष गुप्ता और यह मनीष गुप्ता द्वारा लिखित कहानी है। इस फिल्म के निर्माता है जी स्टूडियोज, राजेश केजरीवाल, गुरपाल सच्चर और इस फिल्म में अभिनय किया है विनय पाठक, रणवीर शोरी, गुल पानागी, रोहन विनोद मेहरा। इस फिल्म का छायाकार राज चक्रवर्ती ने किया और यह फिल्म अर्चित रस्तोगी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है दास गुप्ता की तरह और उत्पादन कंपनियां हैं इसकी जी स्टूडियो कैरियर डिजिटल PL। इस फिल्म को वितरित किया है Zee5 ने और इसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 2021 है। इसका कार्यकारी समय 98 मिनट और यह भारत देश में
हिंदी भाषा में वितरित की गई है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बंसी केजवानी के इर्द गिर्द घूमते जिसे आर्थिक अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है। दंड संहिता 420 धोखाधड़ी से संबंधित है। इस फिल्म के फेकना विनय पाठक एज बंसी केजवानी, पारसी लोक कभी उसन सावक जमशेद जी के रूप में रणवीर शोरी, पूजा के रूप में गुलपनाग, रोहन विनोद मेहरा, एस बीरबल चौधरी, नीरज सिन्हा के रूप में आरिफ चकारिया, अमित के रूप में शुष्कालका, न्यायाधीश के रूप में संजय गुरबख्शयानी। इसकी विज्ञप्ति Z5 ने 1 दिसंबर 2021 को ट्रेलर लॉन्च करने की घोषणा की और यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होगी। इस फिल्म का स्वागत समारोह ABP न्यूज़ के जोगिंदर स्टूडियो ने इसे 3.5/5 स्टार देते हुए कहा कि फिल्म एक यथार्थवादी नाटक है जो अब्बास मस्तान वर्ग के एक नाखून काटने वाले थ्रिलर को हो सकती है। फिल्म को करीब से देखे तो खासकर आखिरी 15 मिनट में इतनी जल्दी पूरी हो जाती है। कुल मिलकर फिल्म में एक रोमांचक घड़ी बनाने के लिए 90 मिनट के भीतर बहुत सारे विवरण भरे हुए हैं। द टाइम ऑफ इंडिया में हीरेन कोटवान ने फिल्म को एक आकर्षण घड़ी बताते हुए 3/5 स्टार दिए हैं और निर्देशक ने पहले फ्रेश से कहानी प्राप्त करने में फुटेज पर कोई समय बर्बाद नहीं किया और कुछ समय ट्विस्ट के साथ कहानी को कुशलता से संभाला है। यह बिना अंतराल या अनावश्यक उबाऊ तत्वों की एक अच्छी घड़ी है। जागरण के मनोज विशिष्ट ने यह कहते हुए 3/5 स्टार दिए हैं कि फिल्म एक बेहतरीन कोर्ट स्टोरी, अच्छा प्रदर्शन और बिना शेर के है। यह अधूरा या फैला हुआ नहीं दिखता है। सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को अच्छे अभिनय से न्याय दिया है और दृश्यों की सादगी और वास्तविकता प्रभावशाली थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। 420 IPC इंगेजिंग कोर्ट रूम ड्रामा है। विनय पाठक और रणवीर शोरी स्टार 420 IPC Z5 में रिलीज किया गया है। एडबिस्ट सुभाष 3 दिसंबर 2021 420 IPC ट्रेलर रिलीज की तारीख OTT स्टार कॉस्ट कहानी और अधिक जागरण टाइम 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। 420 IPC ट्रेलर धोखाधड़ी के आरोपी एक अकाउंटेंट ने एक युवा वकील के साथ उद्धारकर्ता पाया है। OTT प्ले 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेता रणवीर शोरी के विषय में। रणवीर शोरी एक भारतीय अभिनेता और पूर्व विजय हैं जो हिंदी फिल्मों और टेलीविज़न में काम करते हैं। एक छोटी सी लव स्टोरी में उन्होंने अपनी शुरुआत के बाद से उन्होंने जिस्म और लक्ष्य जैसी कई हाई प्रोफाइल फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों जैसे ट्रैफिक सिग्नल, भेजा फ्राई और महत्वपूर्ण व्यावसायिक हिट मित्या में भी अभिनय किया है। रणवीर शोरी का जन्म जलंधर पंजाब भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता है और उनका सक्रिय वर्ष 2002 से वर्तमान तक है। उनके जीवन साथी कोकना सेन शर्मा है जिनसे उन्होंने 2010 में विवाह किया और 2020 में डिवोर्स लिया है। उनका एक बच्चा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं रणवीर शोरी के कैरियर के विषय में। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत अपने दोस्त और सह अभिनेता विनय पाठक के साथ की थी। वह सफल टॉक शो रणवीर विनय और कौन के होस्ट थे। द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो जो Star 1 पर प्रसारित हुआ है। उन्होंने मनीषा कोइराला के साथ एक छोटी सी लव स्टोरी में अपनी शुरुआत की। इसके उनकी अगली फिल्म जिसमें हिट रही लेकिन उनकी एक छोटी भूमिका थी। यह 2006 तक नहीं थी। जब उन्हें कॉमेडी खोसला का घोषणा में देखा गया तब उन्हें बहुत प्रशंसा मिली और उनकी हास्य भूमिका की भी प्रशंसा की गई। उन्होंने कॉमेडी प्यार के साइड इफेक्ट में राहुल बोस के साथ अपनी मजाकिया दोस्त के साथ के रूप में नानू की भूमिका निभाई। वह मल्टी स्टार हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड में दिखाई दी और लिमिटेड को मामूली रूप से सफल रहा। वह आजा नचली नामक यशराज फिल्म में दिखाई दी जिसमें नवंबर 2007 में रिलीज हुई थी। मिथ्या जिसे फरवरी 2008 में रिलीज किया गया था में उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में रणवीर शोरी है जो उन्हें समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। 2008 में रणवीर को अगली और पगली और बॉक्स ऑफिस हिट सिंग इज किंग जैसी फिल्मों में देखा गया था। उन्होंने 420 IPC मनीष गुप्ता द्वारा निर्देशित
और लिखित एक सन 2021 भारतीय हिंदी भाषा की सस्पेंसर ड्रामा फिल्म है। जी स्टूडियो और राजेश केजरीवाल और गुरपाल सच्चर द्वारा प्रोडक्शन हाउस कैजुअल डिजिटल पीएम के साथ निर्मित है। इसमें विनय पाठक, रणवीर, शौरी, गुल पनाग और रोहन विनोद मेहरा प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का प्रीमियर 17 दिसंबर 2021 को G5 पर हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इसके मुख्य निर्देशक हैं मनीष गुप्ता और यह मनीष गुप्ता द्वारा लिखित कहानी है। इस फिल्म के निर्माता है जी स्टूडियोज़, राजेश केजरीवाल, गुरपाल सच्चर और इस फिल्म में अभिनय किया है विनय पाठक, रणवीर शौरी, गुल पनागी, रोहन विनोद मेहरा। इस फिल्म का छायाकार राज चक्रवर्ती ने किया है और यह फिल्म अर्चित रस्तोगी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है दास गुप्ता की तरह है और उत्पादन कंपनियां हैं इसकी जी स्टूडियो कैरियर डिजिटल PL। इस फिल्म को वितरित किया है Z5 ने और इसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 2021 है। इसका कार्यकारी समय 98 मिनट और यह भारत देश में हिंदी भाषा में वितरित की गई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बंसी केजवानी के इर्द गिर्द घूमते जिसे आर्थिक अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है। दंड संहिता 420 धोखाधड़ी से संबंधित है। इस फिल्म के फेकना विनय पाठक एज बंसी केजवानी, पारसी लोक अभियोजन सावक जमशेद जी के रूप में रणवीर शौरी, पूजा के रूप में गुलपनाग, रोहन विनोद मेहरा, एस बीरबल चौधरी, नीरज सिन्हा के रूप में आरिफ चकारिया, अमित के रूप में शुष्कालका, न्यायाधीश के रूप में संजय गुरबख्सियानी। इसकी विज्ञप्ति Z5 ने 1 दिसंबर 2021 को ट्रेलर लॉन्च करने की घोषणा की और यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होगी। इस फिल्म का स्वागत समारोह ABP न्यूज़ के जोगिंदर स्टूडियो ने इसे 3.5/5 स्टार देते हुए कहा कि फिल्म एक यथार्थवादी नाटक है जो अब्बास मस्तान वर्ग के एक नाखून काटने वाले थ्रिलर को हो सकती है। फिल्म को करीब से देखे तो खासकर आखिरी 15 मिनट में इतनी जल्दी पूरी हो जाती है। कुल मिलकर फिल्म में एक रोमांचक घड़ी बनाने के लिए 90 मिनट के भीतर बहुत सारे विवरण भरे हुए हैं। द टाइम ऑफ इंडिया में हीरेन कोटवानी ने फिल्म को एक आकर्षण घड़ी बताते हुए 3/5 स्टार दिए हैं और निर्देशक ने पहले फ्रेश से कहानी प्राप्त करने में फुटेज पर कोई समय बर्बाद नहीं किया और कुछ समय ट्विस्ट के साथ कहानी को कुशलता से संभाला है। यह बिना अंतराल या अनावश्यक उबाऊ तत्वों के एक अच्छी घड़ी है। जागरण के मनोज विशिष्ट ने यह कहते हुए 3/5 स्टार दिए हैं कि फिल्म एक बेहतरीन कोर्ट स्टोरी, अच्छा प्रदर्शन और बिना शेर के है। यह अधूरा या फैला हुआ नहीं दिखता है। सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को अच्छे अभिनय से न्याय दिया है और दृश्यों की सादगी और वास्तविकता प्रभावशाली थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। 420 IPC इंगेजिंग कोर्ट रूम ड्रामा है। विनय पाठक और रणवीर शौरी स्टार 420 IPC Z5 में रिलीज किया गया है। एडबिस्ट सुभाष 3 दिसंबर 2021 420 IPC ट्रेलर रिलीज की तारीख OTT स्टार कॉस्ट कहानी और अधिक जागरण टाइम 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। 420 IPC ट्रेलर धोखाधड़ी के आरोपी एक अकाउंटेंट ने एक युवा वकील के साथ उद्धारकर्ता पाया है। OTT प्ले 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेता रणवीर शौरी के विषय में। रणवीर शौरी एक भारतीय अभिनेता और पूर्व VJ हैं जो हिंदी फिल्मों और टेलीविज़न में काम करते हैं। एक छोटी सी लव स्टोरी में उन्होंने अपनी शुरुआत के बाद से उन्होंने जिस्म और लक्ष्य जैसी कई हाई प्रोफाइल फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों जैसे ट्रैफिक सिग्नल, भेजा फ्राई और महत्वपूर्ण व्यावसायिक हिट मित्या में भी अभिनय किया है। रणवीर शौरी का जन्म जलंधर, पंजाब, भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता है और उनका सक्रिय वर्ष 2002 से वर्तमान तक है। उनके जीवन साथी कोकना सेन शर्मा है जिनसे उन्होंने 2010 में विवाह किया और 2020 में डिवोर्स लिया है। उनका एक बच्चा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं रणवीर शौरी के कैरियर के विषय में। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत अपने दोस्त और सह अभिनेता विनय पाठक के साथ की थी। वह सफल टॉक शो रणवीर विनय और कौन
कौन के होस्ट थे? द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो जो स्टार वन पर प्रसारित हुआ है, उन्होंने मनीषा कोइराला के साथ एक छोटी सी लव स्टोरी में अपनी शुरुआत की। इसके उनकी अगली फिल्म जिसमें हिट रही लेकिन उनकी एक छोटी भूमिका थी। यह सन 2006 तक नहीं थी। जब उन्हें कॉमेडी खोसला का घोषणा में देखा गया तब उन्हें बहुत प्रशंसा मिली और उनकी हास्य भूमिका की भी प्रशंसा की गई। उन्होंने कॉमेडी प्यार के साइड इफेक्ट में राहुल बोस के साथ अपनी मजाकिया दोस्त के साथ के रूप में नानू की भूमिका निभाई। वह मल्टी स्टार हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड में दिखाई दी और लिमिटेड को मामूली रूप से सफल रहा। वह आजा नचली नामक यशराज फिल्म में दिखाई दी जिसमें नवंबर 2007 में रिलीज हुई थी। मिथ्या जिसे फरवरी 2008 में रिलीज किया गया था में उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में रणवीर शोरी है जो उन्हें समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। 2008 में रणवीर को अगली और पगली और बॉक्स ऑफिस हिट सिंग इज किंग जैसी फिल्मों में देखा गया था। उन्होंने 420 IPC मनीष गुप्ता द्वारा निर्देशित और लिखित एक 2021 भारतीय हिंदी भाषा की सस्पेंशन ड्रामा फिल्म है। जी स्टूडियो और राजेश केजरीवाल और गुरपाल सच्चर द्वारा प्रोडक्शन हाउस कैजुअल डिजिटल PM के साथ निर्मित है। इसमें विनय पाठक, रणवीर शोरी, गुल पनाग और रोहन विनोद मेहरा प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का प्रीमियर 17 दिसंबर 2021 को G5 पर हुआ है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इसके मुख्य निर्देशक हैं मनीष गुप्ता और यह मनीष गुप्ता द्वारा लिखित कहानी है। इस फिल्म के निर्माता है जी स्टूडियोज़, राजेश केजरीवाल, गुरपाल सच्चर और इस फिल्म में अभिनय किया है विनय पाठक, रणवीर शोरी, गुल पानागी, रोहन विनोद मेहरा। इस फिल्म का छायाकार राज चक्रवर्ती ने किया है और यह फिल्म अर्चित रस्तोगी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है दास गुप्ता की तरह और उत्पादन कंपनियां हैं इसकी जी स्टूडियो कैरियर डिजिटल PL। इस फिल्म को वितरित किया है Z5 ने और इसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 2021 है। इसका कार्यकारी समय 98 मिनट और यह भारत देश में हिंदी भाषा में वितरित की गई है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बंसी केजवानी के इर्द गिर्द घूमते जिसे आर्थिक अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है। दंड संहिता 420 धोखाधड़ी से संबंधित है। इस फिल्म के फेंकना विनय पाठक एज बंसी केजवानी, पारसी लोक अभियोजन सावक जमशेद जी के रूप में रणवीर शोरी, पूजा के रूप में गुल पनाग, रोहन विनोद मेहरा, एस बीरबल चौधरी, नीरज सिन्हा के रूप में आरिफ चकारिया, अमित के रूप में शुष्काल का न्यायाधीश के रूप में संजय गुरबख्सियानी। इसकी विज्ञप्ति Z5 ने 1 दिसंबर 2021 को ट्रेलर लॉन्च करने की घोषणा की और यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होगी। इस फिल्म का स्वागत समारोह ABP न्यूज़ के जोगिंदर स्टूडियो ने इसे 3.5/5 स्टार देते हुए कहा कि फिल्म एक यथार्थवादी नाटक है जो अब्बास मस्तान वर्ग के एक नाखून काटने वाले थ्रिलर को हो सकती है। फिल्म को करीब से देखें तो खासकर आखिरी 15 मिनट में इतनी जल्दी पूरी हो जाती है। कुल मिलकर फिल्म में एक रोमांचक घड़ी बनाने के लिए 90 मिनट के भीतर बहुत सारे विवरण भरे हुए हैं। द टाइम ऑफ इंडिया में हीरेन कोटवानी ने फिल्म को एक आकर्षण घड़ी बताते हुए 3/5 स्टार दिए हैं और निर्देशक ने पहले फ्रेश से कहानी प्राप्त करने में फुटेज पर कोई समय बर्बाद नहीं किया और कुछ समय ट्विस्ट के साथ कहानी को कुशलता से संभाला है। यह बिना अंतराल या अनावश्यक उबाऊ तत्वों के एक अच्छी घड़ी है। जागरण के मनोज विशिष्ट ने यह कहते हुए 3/5 स्टार दिए हैं कि फिल्म एक बेहतरीन कोर्ट स्टोरी, अच्छा प्रदर्शन और बिना शेर के है। यह अधूरा या फैला हुआ नहीं दिखता है। सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को अच्छे अभिनय से न्याय दिया है और दृश्यों की सादगी और वास्तविकता प्रभावशाली थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। 420 IPC इंगेजिंग कोर्ट रूम ड्रामा है। विनय पाठक और रणवीर शोरी स्टार 420 IPC Z5 में रिलीज किया गया है। एडविस्ट सुभाष 3 दिसंबर 2021 420 IPC ट्रेलर रिलीज की तारीख OTT स्टार कॉस्ट कहानी और अधिक जागरण टाइम 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। 420 IPC ट्रेलर धोखाधड़ी के आरोपी एक अकाउंटेंट ने एक युवा वकील के साथ
उधारकर्ता पाया है। OTT Play 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेता रणवीर शोरी के विषय में। रणवीर शोरी एक भारतीय अभिनेता और पूर्व विजय हैं जो हिंदी फिल्मों और टेलीविज़न में काम करते हैं। एक छोटी सी लव स्टोरी में उन्होंने अपनी शुरुआत के बाद से उन्होंने जिस्म और लक्ष्य जैसी कई हाई प्रोफाइल फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों जैसे ट्रैफिक सिग्नल, भेजा फ्राई और महत्वपूर्ण व्यावसायिक हिट मित्या में भी अभिनय किया है। रणवीर शोरी का जन्म जलंधर पंजाब भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता है और उनका सक्रिय वर्ष 2002 से वर्तमान तक है। उनके जीवन साथी कोकना सेन शर्मा है जिनसे उन्होंने 2010 में विवाह किया और 2020 में डिवोर्स लिया है। उनका एक बच्चा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं रणवीर शोरी के कैरियर के विषय में। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत अपने दोस्त और सह अभिनेता विनय पाठक के साथ की थी। वह सफल टॉक शो रणवीर विनय और कौन के होस्ट थे। द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो जो Star 1 पर प्रसारित हुआ है। उन्होंने मनीषा कोइराला के साथ एक छोटी सी लव स्टोरी में अपनी शुरुआत की। इसके उनकी अगली फिल्म जिसमें हिट रही लेकिन उनकी एक छोटी भूमिका थी। यह 2006 तक नहीं थी। जब उन्हें कॉमेडी खोसला का घोषणा में देखा गया तब उन्हें बहुत प्रशंसा मिली और उनकी हास्य भूमिका की भी प्रशंसा की गई। उन्होंने कॉमेडी प्यार के साइड इफेक्ट में राहुल बोस के साथ अपनी मजाकिया दोस्त के साथ के रूप में नानू की भूमिका निभाई। वह मल्टी स्टार हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड में दिखाई दी और लिमिटेड को मामूली रूप से सफल रहा। वह आजा नचली नामक यशराज फिल्म में दिखाई दी जिसमें 2007 में रिलीज हुई थी। मिथ्या जिसे 2008 में रिलीज किया गया था में उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में रणवीर शोरी है जो उन्हें समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। 2008 में रणवीर को अगली और पगली और बॉक्स ऑफिस हिट सिंग इज किंग जैसी फिल्मों में देखा गया था। उन्होंने 420 IPC मनीष गुप्ता द्वारा निर्देशित और लिखित एक 2021 भारतीय हिंदी भाषा की सस्पेंशन ड्रामा फिल्म है। जी स्टूडियो और राजेश केजरीवाल और गुरपाल सच्चर द्वारा प्रोडक्शन हाउस कैजुअल डिजिटल PM के साथ निर्मित है। इसमें विनय पाठक, रणवीर शोरी, गुल पनाग और रोहन विनोद मेहरा प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का प्रीमियर 17 दिसंबर 2021 को G5 पर हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इसके मुख्य निर्देशक हैं मनीष गुप्ता और यह मनीष गुप्ता द्वारा लिखित कहानी है। इस फिल्म के निर्माता है जी स्टूडियोज़, राजेश केजरीवाल, गुरपाल सच्चर और इस फिल्म में अभिनय किया है विनय पाठक, रणवीर शोरी, गुल पानागी, रोहन विनोद मेहरा। इस फिल्म का छायाकार राज चक्रवर्ती ने किया है और यह फिल्म अर्चित रस्तोगी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है दास गुप्ता की तरह और उत्पादन कंपनियां हैं इसकी जी स्टूडियो कैरियर डिजिटल PL। इस फिल्म को वितरित किया है Z5 ने और इसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 2021 है। इसका कार्यकारी समय 98 मिनट और यह भारत देश में हिंदी भाषा में वितरित की गई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बंसी केजवानी के इर्द गिर्द घूमते जिसे आर्थिक अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है। दंड संहिता 420 धोखाधड़ी से संबंधित है। इस फिल्म के फेंकना विनय पाठक एज बंसी केजवानी, पारसी लोक अभियोजन सावक जमशेद जी के रूप में रणवीर शोरी, पूजा के रूप में गुल पनाग, रोहन विनोद मेहरा, एस बीरबल चौधरी, नीरज सिन्हा के रूप में आरिफ जकारिया, अमित के रूप में शुष्काल का न्यायाधीश के रूप में संजय गुरबख्सियानी। इसकी विज्ञप्ति Z5 ने 1 दिसंबर 2021 को ट्रेलर लॉन्च करने की घोषणा की और यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होगी। इस फिल्म का स्वागत समारोह ABP न्यूज़ के जोगिंदर स्टूडियो ने इसे 3.5/5 स्टार देते हुए कहा कि फिल्म एक यथार्थवादी नाटक है जो अब्बास मस्तान वर्ग के एक नाखून काटने वाले थ्रिलर को हो सकती है। फिल्म को करीब से देखें तो खासकर आखिरी 15 मिनट में इतनी जल्दी पूरी हो जाती है। कुल मिलकर फिल्म में एक रोमांचक घड़ी बनाने के लिए 90 मिनट के भीतर बहुत सारे विवरण भरे हुए हैं।
द टाइम ऑफ इंडिया में हीरेन कोटवानी ने फिल्म को एक आकर्षण घड़ी बताते हुए 3/5 स्टार दिए हैं और निर्देशक ने पहले फ्रेश से कहानी प्राप्त करने में फुटेज पर कोई समय बर्बाद नहीं किया और कुछ समय ट्विस्ट के साथ कहानी को कुशलता से संभाला है। यह बिना अंतराल या अनावश्यक उबाऊ तत्वों की एक अच्छी घड़ी है। जागरण के मनोज विशिष्ट ने यह कहते हुए 3/5 स्टार दिए हैं कि फिल्म एक बेहतरीन कोर्ट स्टोरी, अच्छा प्रदर्शन और बिना शेर के है। यह अधूरा या फैला हुआ नहीं दिखता है। सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को अच्छे अभिनय से न्याय दिया है और दृश्यों की सादगी और वास्तविकता प्रभावशाली थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। 420 IPC इंगेजिंग कोर्ट रूम ड्रामा है। विनय पाठक और रणवीर सूरी स्टार 420 IPC Z5 में रिलीज किया गया है। एडबिस्ट सुभाष 3 दिसंबर 2021 420 IPC ट्रेलर रिलीज की तारीख OTT स्टार कॉस्ट कहानी और अधिक जागरण टाइम 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। 420 IPC ट्रेलर धोखाधड़ी के आरोपी एक अकाउंटेंट ने एक युवा वकील के साथ उद्धारकर्ता पाया है। OTT प्ले 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेता रणवीर सूरी के विषय में। रणवीर सूरी एक भारतीय अभिनेता और पूर्व VJ हैं जो हिंदी फिल्मों और टेलीविज़न में काम करते हैं। एक छोटी सी लव स्टोरी में उन्होंने अपनी शुरुआत के बाद से उन्होंने जिस्म और लक्ष्य जैसी कई हाई प्रोफाइल फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों जैसे ट्रैफिक सिग्नल, भेजा फ्राई और महत्वपूर्ण व्यावसायिक हिट मिथ्या में भी अभिनय किया है। रणवीर सूरी का जन्म जलंधर पंजाब भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता है और उनका सक्रिय वर्ष 2002 से वर्तमान तक है। उनकी जीवन साथी कोकना सेन शर्मा है जिनसे उन्होंने 2010 में विवाह किया और 2020 में डिवोर्स लिया है। उनका एक बच्चा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं रणवीर सूरी के कैरियर के विषय में। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत अपने दोस्त और सह अभिनेता विनय पाठक के साथ की थी। वह सफल टॉक शो रणवीर, विनय और कौन के होस्ट थे। द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो जो स्टार 1 पर प्रसारित हुआ है। उन्होंने मनीषा कोइराला के साथ एक छोटी सी लव स्टोरी में अपनी शुरुआत की। उनकी अगली फिल्म जिसमें हिट रही लेकिन उनकी एक छोटी भूमिका थी। यह 2006 तक नहीं थी। जब उन्हें कॉमेडी खोसला का घोसला में देखा गया तब उन्हें बहुत प्रशंसा मिली और उनकी हास्य भूमिका की भी प्रशंसा की गई। उन्होंने कॉमेडी प्यार के साइड इफेक्ट में राहुल बोस के साथ अपनी मजाकिया दोस्त के साथ के रूप में नानू की भूमिका निभाई। वह मल्टी स्टार हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड में दिखाई दी और लिमिटेड को मामूली रूप से सफल रहा। वह आजा नचली नामक यशराज फिल्म में दिखाई दी जिसमें 2007 में रिलीज हुई थी। मिथ्या जिसे 2008 में रिलीज किया गया था में उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में रणवीर सूरी हैं जो उन्हें समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। 2008 में रणवीर को अगली और पगली और बॉक्स ऑफिस हिट सिंग इज किंग जैसी फिल्मों में देखा गया था। उन्होंने 420 IPC मनीष गुप्ता द्वारा निर्देशित और लिखित एक 2021 भारतीय हिंदी भाषा की सस्पेंस ड्रामा फिल्म है। जी स्टूडियो और राजेश केजरीवाल और गुरपाल सच्चर द्वारा प्रोडक्शन हाउस कैजुअल डिजिटल PM के साथ निर्मित है। इसमें विनय पाठक, रणवीर सूरी, गुल पनाग और रोहन विनोद मेहरा प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का प्रीमियर 17 दिसंबर 2021 को G5 पर हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इसके मुख्य निर्देशक हैं मनीष गुप्ता और यह मनीष गुप्ता द्वारा लिखित कहानी है। इस फिल्म के निर्माता है जी स्टूडियोज़, राजेश केजरीवाल, गुरपाल सच्चर और इस फिल्म में अभिनय किया है विनय पाठक, रणवीर सूरी, गुल पानागी, रोहन विनोद मेहरा। इस फिल्म का छायाकार राज चक्रवर्ती ने किया है और यह फिल्म अर्चित रस्तोगी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है दास गुप्ता की तरह और उत्पादन कंपनियां हैं इसकी जी स्टूडियो कैरियर डिजिटल PL। इस फिल्म को वितरित किया है Z5 ने और इसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 2021 है। इसका कार्यकारी समय 98 मिनट और यह भारत देश में हिंदी भाषा में वितरित की गई है।
चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बंसी केजवानी के इर्द गिर्द घूमते जिसे आर्थिक अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है दंड संहिता 420 धोखाधड़ी से संबंधित है। इस फिल्म के फेकना विनय पाठक एज बंसी केजवानी, पारसी लोक अभी उसम सावक जमशेद जी के रूप में रणवीर शोरी, पूजा के रूप में गुलपनाग, रोहन विनोद मेहरा, एस बीरबल चौधरी, नीरज सिन्हा के रूप में आरिफ जकारिया, अमित के रूप में शुष्काल का, न्यायाधीश के रूप में संजय गुरबख्सियानी। इसकी विज्ञप्ति Z5 ने 1 दिसंबर 2021 को ट्रेलर लॉन्च करने की घोषणा की और यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होगी। इस फिल्म का स्वागत समारोह ABP न्यूज़ के जोगिंदर स्टूडियो ने इसे 3.5/5 स्टार देते हुए कहा कि फिल्म एक यथार्थवादी नाटक है जो अब्बास मस्तान वर्ग के एक नाखून काटने वाले थ्रिलर को हो सकती है। फिल्म को करीब से देखे तो खासकर आखिरी 15 मिनट में इतनी जल्दी पूरी हो जाती है। कुल मिलकर फिल्म में एक रोमांचक घड़ी बनाने के लिए 90 मिनट के भीतर बहुत सारे विवरण भरे हुए हैं। द टाइम ऑफ इंडिया में हीरेन कोटवानी ने फिल्म को एक आकर्षण घड़ी बताते हुए 3/5 स्टार दिए हैं और निर्देशक ने पहले फ्रेश से कहानी प्राप्त करने में फुटेज पर कोई समय बर्बाद नहीं किया और कुछ समय ट्विस्ट के साथ कहानी को कुशलता से संभाला है। यह बिना अंतराल या अनावश्यक उबाऊ तत्वों की एक अच्छी घड़ी है। जागरण के मनोज विशिष्ट ने यह कहते हुए 3/5 स्टार दी हैं कि फिल्म एक बेहतरीन कोर्ट स्टोरी, अच्छा प्रदर्शन और बिना शेर के है। यह अधूरा या फैला हुआ नहीं दिखता है। सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को अच्छे अभिनय से न्याय दिया है और दृश्यों की सादगी और वास्तविकता प्रभावशाली थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। 420 IPC इंगेजिंग कोर्ट रूम ड्रामा है। विनय पाठक को रणवीर शूरी स्टार 420 IPC Z5 में रिलीज किया गया है। एडबिस्ट सुभाष 3 दिसंबर 2021 420 IPC ट्रेलर रिलीज की तारीख OTT स्टार कॉस्ट कहानी और अधिक जागरण टाइम 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। 420 IPC ट्रेलर धोखाधड़ी के आरोपी एक अकाउंटेंट ने एक युवा वकील के साथ उद्धारकर्ता पाया है। OTT प्ले 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेता रणवीर शोरी के विषय में। रणवीर शोरी एक भारतीय अभिनेता और पूर्व VJ हैं जो हिंदी फिल्मों और टेलीविज़न में काम करते हैं। एक छोटी सी लव स्टोरी में उन्होंने अपनी शुरुआत के बाद से उन्होंने जिस्म और लक्ष्य जैसी कई हाई प्रोफाइल फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों जैसे ट्रैफिक सिग्नल, भेजा फ्राई और महत्वपूर्ण व्यावसायिक हिट मिथ्या में भी अभिनय किया है। रणवीर शोरी का जन्म जलंधर पंजाब भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता है और उनका सक्रिय वर्ष 2002 से वर्तमान तक है। उनके जीवन साथी कोकना सेन शर्मा है जिनसे उन्होंने 2010 में विवाह किया और 2020 में डिवोर्स लिया है। उनका एक बच्चा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं रणवीर शोरी के कैरियर के विषय में। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत अपने दोस्त और सह अभिनेता विनय पाठक के साथ की थी। वह सफल टॉक शो रणवीर, विनय और कौन के होस्ट थे। द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो जो Star 1 पर प्रसारित हुआ है। उन्होंने मनीषा कोइराला के साथ एक छोटी सी लव स्टोरी में अपनी शुरुआत की। इसके उनकी अगली फिल्म जिसमें हिट रही लेकिन उनकी एक छोटी भूमिका थी। यह 2006 तक नहीं थी। जब उन्हें कॉमेडी खोसला का घोषणा में देखा गया तब उन्हें बहुत प्रशंसा मिली और उनकी हास्य भूमिका की भी प्रशंसा की गई। उन्होंने कॉमेडी प्यार के साइड इफेक्ट में राहुल बोस के साथ अपनी मजाकिया दोस्त के साथ के रूप में नानू की भूमिका निभाई। वह मल्टी स्टार हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड में दिखाई दी और लिमिटेड को मामूली रूप से सफल रहा। वह आजा नचली नामक यश राज फिल्म में दिखाई दी जिसमें नवंबर 2007 में रिलीज हुई थी। मिथ्या जिसे फरवरी 2008 में रिलीज किया गया था में उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में रणवीर शोरी है जो उन्हें समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। 2008 में रणवीर को अगली और पगली और बॉक्स ऑफिस हिट सिंह इज किंग जैसी फिल्मों में देखा गया था। उन्होंने 420 IPC मनीष गुप्ता द्वारा निर्देशित
और लिखित एक सन 2021 भारतीय हिंदी भाषा की सस्पेंसर ड्रामा फिल्म है। जी स्टूडियो और राजेश केजरीवाल और गुरपाल सच्चर द्वारा प्रोडक्शन हाउस कैजुअल डिजिटल पीएम के साथ निर्मित है। इसमें विनय पाठक, रणवीर, शौरी, गुल पनाग और रोहन विनोद मेहरा प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का प्रीमियर 17 दिसंबर 2021 को G5 पर हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इसके मुख्य निर्देशक हैं मनीष गुप्ता और यह मनीष गुप्ता द्वारा लिखित कहानी है। इस फिल्म के निर्माता है जी स्टूडियोज, राजेश केजरीवाल, गुरपाल सच्चर और इस फिल्म में अभिनय किया है विनय पाठक, रणवीर शौरी, गुल पनागी, रोहन विनोद मेहरा। इस फिल्म का छायाकार राज चक्रवर्ती ने किया और यह फिल्म अर्चित रस्तोगी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है दास गुप्ता की तरह और उत्पादन कंपनियां हैं इसकी जी स्टूडियो कैरियर डिजिटल PL। इस फिल्म को वितरित किया है Z5 ने और इसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 2021 है। इसका कार्यकारी समय 98 मिनट और यह भारत देश में हिंदी भाषा में वितरित की गई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बंसी केजवानी के इर्द गिर्द घूमते जिसे आर्थिक अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है। दंड संहिता 420 धोखाधड़ी से संबंधित है। इस फिल्म के फेकना विनय पाठक एज बंसी केजवानी, पारसी लोक कभी उसम सावक जमशेद जी के रूप में रणवीर शौरी, पूजा के रूप में गुल पनाग, रोहन विनोद मेहरा, एस बीरबल चौधरी, नीरज सिन्हा के रूप में आरिफ जकारिया, अमित के रूप में शुष्कालका, न्यायाधीश के रूप में संजय गुरबख्सियानी। इसकी विज्ञप्ति Z5 ने 1 दिसंबर 2021 को ट्रेलर लॉन्च करने की घोषणा की और यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होगी। इस फिल्म का स्वागत समारोह ABP न्यूज़ के जोगिंदर स्टूडियो ने इसे 3.5/5 स्टार देते हुए कहा कि फिल्म एक यथार्थवादी नाटक है जो अब्बास मस्तान वर्ग के एक नाखून काटने वाले थ्रिलर को हो सकती है। फिल्म को करीब से देखे तो खासकर आखिरी 15 मिनट में इतनी जल्दी पूरी हो जाती है। कुल मिलकर फिल्म में एक रोमांचक घड़ी बनाने के लिए 90 मिनट के भीतर बहुत सारे विवरण भरे हुए हैं। द टाइम ऑफ इंडिया में हीरेन कोटवानी ने फिल्म को एक आकर्षण घड़ी बताते हुए 3/5 स्टार दिए हैं और निर्देशक ने पहले फ्रेश से कहानी प्राप्त करने में फुटेज पर कोई समय बर्बाद नहीं किया और कुछ समय ट्विस्ट के साथ कहानी को कुशलता से संभाला है। यह बिना अंतराल या अनावश्यक उबाऊ तत्वों की एक अच्छी घड़ी है। जागरण के मनोज विशिष्ट ने यह कहते हुए 3/5 स्टार दी हैं कि फिल्म एक बेहतरीन कोर्ट स्टोरी, अच्छा प्रदर्शन और बिना शेर के है। यह अधूरा या फैला हुआ नहीं दिखता है। सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को अच्छे अभिनय से न्याय दिया है और दृश्यों की सादगी और वास्तविकता प्रभावशाली थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। 420 IPC इंगेजिंग कोर्ट रूम ड्रामा है। विनय पाठक और रणवीर शौरी स्टार 420 IPC Z5 में रिलीज किया गया है। एडबिस्ट सुभाष 3 दिसंबर 2021 420 IPC ट्रेलर रिलीज की तारीख OTT स्टार कॉस्ट कहानी और अधिक जागरण टाइम 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। 420 IPC ट्रेलर धोखाधड़ी के आरोपी एक अकाउंटेंट ने एक युवा वकील के साथ उद्धारकर्ता पाया है। OTT प्ले 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेता रणवीर शौरी के विषय में। रणवीर शौरी एक भारतीय अभिनेता और पूर्व VJ हैं जो हिंदी फिल्मों और टेलीविज़न में काम करते हैं। एक छोटी सी लव स्टोरी में उन्होंने अपनी शुरुआत के बाद से उन्होंने जिस्म और लक्ष्य जैसी कई हाई प्रोफाइल फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों जैसे ट्रैफिक सिग्नल, भेजा फ्राई और महत्वपूर्ण व्यावसायिक हिट मित्या में भी अभिनय किया है। रणवीर शौरी का जन्म जलंधर, पंजाब, भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता है और उनका सक्रिय वर्ष 2002 से वर्तमान तक है। उनके जीवन साथी कोकना सेन शर्मा है जिनसे उन्होंने 2010 में विवाह किया और 2020 में डिवोर्स लिया है। उनका एक बच्चा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं रणवीर शौरी के कैरियर के विषय में। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत अपने दोस्त और सह अभिनेता विनय पाठक के साथ की थी। वह सफल टॉक शो रणवीर विनय और कौन
कौन के होस्ट थे? द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो जो स्टार वन पर प्रसारित हुआ है, उन्होंने महिषा मनीषा कोइराला के साथ एक छोटी सी लव स्टोरी में अपनी शुरुआत की। इसके उनकी अगली फिल्म जिसमें हिट रही लेकिन उनकी एक छोटी भूमिका थी। यह सन 2006 तक नहीं थी। जब उन्हें कॉमेडी खोसला का घोसला में देखा गया तब उन्हें बहुत प्रशंसा मिली और उनकी हास्य भूमिका की भी प्रशंसा की गई। उन्होंने कॉमेडी प्यार के साइड इफेक्ट में राहुल बोस के साथ अपनी मजाकिया दोस्त के साथ के रूप में नानू की भूमिका निभाई। वह मल्टी स्टार हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड में दिखाई दिए और लिमिटेड को मामूली रूप से सफल रहा। वह आजा नचली नामक यशराज फिल्म में दिखाई दी जिसमें नवंबर 2007 में रिलीज हुई थी। मिथ्या जिसे फरवरी 2008 में रिलीज किया गया था में उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में रणवीर शौरी हैं, जो उन्हें समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। 2008 में रणवीर को अगली और पगली और बॉक्स ऑफिस हिट सिंह इज किंग जैसी फिल्मों में देखा गया था। उन्होंने 420 IPC मनीष गुप्ता द्वारा निर्देशित और लिखित एक 2021 भारतीय हिंदी भाषा की सस्पेंसर ड्रामा फिल्म है। जी स्टूडियो और राजेश केजरीवाल और गुरपाल सच्चर द्वारा प्रोडक्शन हाउस कैजुअल डिजिटल PM के साथ निर्मित है। इसमें विनय पाठक, रणवीर शौरी, गुल पनाग और रोहन विनोद मेहरा प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का प्रीमियर 17 दिसंबर 2021 को G5 पर हुआ है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इसके मुख्य निर्देशक हैं मनीष गुप्ता और यह मनीष गुप्ता द्वारा लिखित कहानी है। इस फिल्म के निर्माता है जी स्टूडियोज, राजेश केजरीवाल, गुरपाल सच्चर और इस फिल्म में अभिनय किया है विनय पाठक, रणवीर शौरी, गुल पानागी, रोहन विनोद मेहरा। इस फिल्म का छायाकार राज चक्रवर्ती ने किया और यह फिल्म अर्चित रस्तोगी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है दास गुप्ता की तरह और उत्पादन कंपनियां हैं इसकी जी स्टूडियो कैरियर डिजिटल PL। इस फिल्म को वितरित किया है Z5 ने और इसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 2021 है। इसका कार्यकारी समय 98 मिनट और यह भारत देश में हिंदी भाषा में वितरित की गई है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बंसी केजवानी के इर्द गिर्द घूमते जिसे आर्थिक अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है। दंड संहिता 420 धोखाधड़ी से संबंधित है। इस फिल्म के फेंकना विनय पाठक एज बंसी केजवानी, पारसी लोक कभी उसन सावक जमशेद जी के रूप में रणवीर शौरी, पूजा के रूप में गुलपनाग, रोहन विनोद मेहरा एस बीरबल चौधरी, नीरज सिन्हा के रूप में आरिफ चकारिया, अमित के रूप में शुष्कालका, न्यायाधीश के रूप में संजय गुरबख्शियानी। इसकी विज्ञप्ति Z5 ने 1 दिसंबर 2021 को ट्रेलर लॉन्च करने की घोषणा की और यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होगी। इस फिल्म का स्वागत समारोह ABP न्यूज़ के जोगिंदर स्टूडियो ने इसे 3.5/5 स्टार देते हुए कहा कि फिल्म एक यथार्थवादी नाटक है जो अब्बास मस्तान भट्ट के एक नाखून काटने वाले थ्रिलर को हो सकती है। फिल्म को करीब से देखे तो खासकर आखिरी 15 मिनट में इतनी जल्दी पूरी हो जाती है। कुल मिलकर फिल्म में एक रोमांचक घड़ी बनाने के लिए 90 मिनट के भीतर बहुत सारे विवरण भरे हुए हैं। द टाइम ऑफ इंडिया में हीरेन कोटवान ने फिल्म को एक आकर्षण घड़ी बताते हुए 3/5 स्टार दिए हैं और निर्देशक ने पहले फ्रेश से कहानी प्राप्त करने में फुटेज पर कोई समय बर्बाद नहीं किया और कुछ समय ट्विस्ट के साथ कहानी को कुशलता से संभाला है। यह बिना अंतराल या अनावश्यक उबाऊ तत्वों की एक अच्छी घड़ी है। जागरण के मनोज विशिष्ट ने यह कहते हुए 3/5 स्टार दी हैं कि फिल्म एक बेहतरीन कोर्ट स्टोरी, अच्छा प्रदर्शन और बिना शेर के है। यह अधूरा या फैला हुआ नहीं दिखता है। सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को अच्छे अभिनय से न्याय दिया है और दृश्यों की सादगी और वास्तविकता प्रभावशाली थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। 420 IPC इंगेजिंग कोर्ट रूम ड्रामा है। विनय पाठक और रणवीर शौरी स्टार 420 IPC Z5 में रिलीज किया गया है। एडबिस्ट सुभाष 3 दिसंबर 2021 420 IPC ट्रेलर रिलीज की तारीख OTT स्टार कॉस्ट कहानी और अधिक जागरण टाइम 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। 420 IPC ट्रेलर धोखाधड़ी के आरोपी एक अकाउंटेंट ने एक युवा वकील के साथ
उधारकर्ता पाया है। ओटीटीप्ले 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेता रणवीर शोरी के विषय में। रणवीर शोरी एक भारतीय अभिनेता और पूर्व वीजे हैं जो हिंदी फिल्मों और टेलीविज़न में काम करते हैं। एक छोटी सी लव स्टोरी में उन्होंने अपनी शुरुआत के बाद से उन्होंने जिस्म और लक्ष्य जैसी कई हाई प्रोफाइल फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों जैसे ट्रैफिक सिग्नल, भेजा फ्राई और महत्वपूर्ण व्यावसायिक हिट मित्या में भी अभिनय किया है। रणवीर शोरी का जन्म जलंधर पंजाब भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता है और उनका सक्रिय वर्ष 2002 से वर्तमान तक है। उनकी जीवन साथी कोकना सेन शर्मा है, जिनसे उन्होंने 2010 में विवाह किया और 2020 में डिवोर्स लिया है। उनका एक बच्चा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रणवीर शोरी के कैरियर के विषय में। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत अपने दोस्त और सह अभिनेता विनय पाठक के साथ की थी। वह सफल टॉक शो रणवीर, विनय और कौन के होस्ट थे। द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो जो स्टार वन पर प्रसारित हुआ है। उन्होंने मनीषा कोइराला के साथ एक छोटी सी लव स्टोरी में अपनी शुरुआत की। इसके उनकी अगली फिल्म जिसमें हिट रही, लेकिन उनकी एक छोटी भूमिका थी। यह 2006 तक नहीं थी। जब उन्हें कॉमेडी खोसला का घोसला में देखा गया तब उन्हें बहुत प्रशंसा मिली और उनकी हास्य भूमिका की भी प्रशंसा की गई। उन्होंने कॉमेडी प्यार के साइड इफेक्ट में राहुल बोस के साथ अपनी मजाकिया दोस्त के साथ के रूप में नानू की भूमिका निभाई। वह मल्टी स्टार हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड में दिखाई दी और लिमिटेड को मामूली रूप से सफल रहा। वह आजा नचली नामक यशराज फिल्म में दिखाई दी जिसमें नवंबर 2007 में रिलीज हुई थी। मिथ्या जिसे फरवरी 2008 में रिलीज किया गया था में उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में रणवीर शोरी है जो उन्हें समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। 2008 में रणवीर को अगली और पगली और बॉक्स ऑफिस हिट सिंह इज किंग जैसी फिल्मों में देखा गया था। उन्होंने 420 IPC मनीष गुप्ता द्वारा निर्देशित और लिखित एक 2021 भारतीय हिंदी भाषा की सस्पेंस ड्रामा फिल्म है। जी स्टूडियो और राजेश केजरीवाल और गुरपाल सच्चर द्वारा प्रोडक्शन हाउस कैजुअल डिजिटल PM के साथ निर्मित है। इसमें विनय पाठक, रणवीर शोरी, गुल पनाग और रोहन विनोद मेहरा प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का प्रीमियर 17 दिसंबर 2021 को G5 पर हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इसके मुख्य निर्देशक हैं मनीष गुप्ता और यह मनीष गुप्ता द्वारा लिखित कहानी है। इस फिल्म के निर्माता है जी स्टूडियोज़, राजेश केजरीवाल, गुरपाल सच्चर और इस फिल्म में अभिनय किया है विनय पाठक, रणवीर शोरी, गुल पानागी, रोहन विनोद मेहरा। इस फिल्म का छायाकार राज चक्रवर्ती ने किया है और यह फिल्म अर्चित रस्तोगी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है दास गुप्ता की तरह और उत्पादन कंपनियां हैं इसकी जी स्टूडियो कैरियर डिजिटल PL। इस फिल्म को वितरित किया है Z5 ने और इसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 2021 है। इसका कार्यकारी समय 98 मिनट और यह भारत देश में हिंदी भाषा में वितरित की गई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बंसी केजवानी के इर्द गिर्द घूमते जिसे आर्थिक अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है। दंड संहिता 420 धोखाधड़ी से संबंधित है। इस फिल्म के फेंकना विनय पाठक एज बंसी केजवानी, पारसी लोक अभियोजन सावक जमशेद जी के रूप में रणवीर शोरी, पूजा के रूप में गुल पनाग, रोहन विनोद मेहरा, एस बीरबल चौधरी, नीरज सिन्हा के रूप में आरिफ चकारिया, अमित के रूप में शुष्काल का, न्यायाधीश के रूप में संजय गुरबख्सियानी। इसकी विज्ञप्ति Z5 ने 1 दिसंबर 2021 को ट्रेलर लॉन्च करने की घोषणा की और यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होगी। इस फिल्म का स्वागत समारोह ABP न्यूज़ के जोगिंदर स्टूडियो ने इसे 3.5/5 स्टार देते हुए कहा कि फिल्म एक यथार्थवादी नाटक है जो अब्बास मस्तान वर्ग के एक नाखून काटने वाले थ्रिलर को हो सकती है। फिल्म को करीब से देखे तो खासकर आखिरी 15 मिनट में इतनी जल्दी पूरी हो जाती है। कुल मिलकर फिल्म में एक रोमांचक घड़ी बनाने के लिए 90 मिनट के भीतर बहुत सारे विवरण भरे हुए हैं।
द टाइम ऑफ इंडिया में हीरेन कोटवानी ने फिल्म को एक आकर्षण घड़ी बताते हुए 3/5 स्टार दिए हैं और निर्देशक ने पहले फ्रेंड से कहानी प्राप्त करने में फुटेज पर कोई समय बर्बाद नहीं किया और कुछ समय ट्विस्ट के साथ कहानी को कुशलता से संभाला है। यह बिना अंतराल या अनावश्यक उबाऊ तत्वों की एक अच्छी घड़ी है। जागरण के मनोज विशिष्ट ने यह कहते हुए 3/5 स्टार दी हैं कि फिल्म एक बेहतरीन कोर्ट स्टोरी, अच्छा प्रदर्शन और बिना शेर के है। यह अधूरा या फैला हुआ नहीं दिखता है। सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को अच्छे अभिनय से न्याय दिया है और दृश्यों की सादगी और वास्तविकता प्रभावशाली थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। 420 IPC इंगेजिंग कोर्ट रूम ड्रामा है। विनय पाठक और रणवीर सूरी स्टार 420 IPC Z5 में रिलीज किया गया है। एडब्रिस्ट सुभाष 3 दिसंबर 2021 420 IPC ट्रेलर रिलीज की तारीख OTT स्टार कॉस्ट कहानी और अधिक जागरण टाइम 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। 420 IPC ट्रेलर धोखाधड़ी के आरोपी एक अकाउंटेंट ने एक युवा वकील के साथ उद्धारकर्ता पाया है। OTT प्ले 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेता रणवीर शोरी के विषय में। रणवीर शोरी एक भारतीय अभिनेता और पूर्व विजय हैं जो हिंदी फिल्मों और टेलीविज़न में काम करते हैं। एक छोटी सी लव स्टोरी में उन्होंने अपनी शुरुआत के बाद से उन्होंने जिस्म और लक्ष्य जैसी कई हाई प्रोफाइल फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों जैसे ट्रैफिक सिग्नल, भेजा फ्राई और महत्वपूर्ण व्यावसायिक हिट मित्या में भी अभिनय किया है। रणवीर शोरी का जन्म जलंधर पंजाब भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता है और उनका सक्रिय वर्ष 2002 से वर्तमान तक है। उनके जीवन साथी कोकना सेन शर्मा है जिनसे उन्होंने 2010 में विवाह किया और 2020 में डिवोर्स लिया है। उनका एक बच्चा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रणवीर शोरी के कैरियर के विषय में। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत अपने दोस्त और सह अभिनेता विनय पाठक के साथ की थी। वह सफल टॉक शो रणवीर, विनय और कौन के होस्ट थे। द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो जो स्टार 1 पर प्रसारित हुआ है। उन्होंने मनीषा कोइराला के साथ एक छोटी सी लव स्टोरी में अपनी शुरुआत की। इसके उनकी अगली फिल्म जिसमें हिट रही लेकिन उनकी एक छोटी भूमिका थी। यह 2006 तक नहीं थी। जब उन्हें कॉमेडी खोसला का घोसला में देखा गया तब उन्हें बहुत प्रशंसा मिली और उनकी हास्य भूमिका की भी प्रशंसा की गई। उन्होंने कॉमेडी प्यार के साइड इफेक्ट में राहुल बोस के साथ अपनी मजाकिया दोस्त के साथ के रूप में नानू की भूमिका निभाई। वह मल्टी स्टार हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड में दिखाई दी और लिमिटेड को मामूली रूप से सफल रहा। वह आजा नचली नामक यशराज फिल्म में दिखाई दी जिसमें नवंबर 2007 में रिलीज हुई थी। मिथ्या जिसे फरवरी 2008 में रिलीज किया गया था में उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में रणवीर शोरी है जो उन्हें समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। 2008 में रणवीर को अगली और पगली और बॉक्स ऑफिस हिट सिंग इज किंग जैसी फिल्मों में देखा गया था। उन्होंने 420 IPC मनीष गुप्ता द्वारा निर्देशित और लिखित एक 2021 भारतीय हिंदी भाषा की सस्पेंशन ड्रामा फिल्म है। जी स्टूडियो और राजेश केजरीवाल और गुरपाल सच्चर द्वारा प्रोडक्शन हाउस कैजुअल डिजिटल PM के साथ निर्मित है। इसमें विनय पाठक, रणवीर शोरी, गुल पनाग और रोहन विनोद मेहरा प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का प्रीमियर 17 दिसंबर 2021 को Z5 पर हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इसके मुख्य निर्देशक हैं मनीष गुप्ता और यह मनीष गुप्ता द्वारा लिखित कहानी है। इस फिल्म के निर्माता है जी स्टूडियोज़, राजेश केजरीवाल, गुरपाल सच्चर और इस फिल्म में अभिनय किया है विनय पाठक, रणवीर शोरी, गुल पानागी, रोहन विनोद मेहरा। इस फिल्म का छायाकार राज चक्रवर्ती ने किया है और यह फिल्म अर्चित रस्तोगी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है दास गुप्ता की तरह है और उत्पादन कंपनियां हैं इसकी जी स्टूडियो, कैरियर डिजिटल PL। इस फिल्म को वितरित किया है Z5 ने और इसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 2021 है। इसका कार्यकारी समय 98 मिनट और यह भारत देश में हिंदी भाषा में वितरित की गई है।
चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बंसी केजवानी के इर्द गिर्द घूमते जिसे आर्थिक अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है दंड संहिता 420 धोखाधड़ी से संबंधित है। इस फिल्म के फेकना विनय पाठक एज बंसी केजवानी, पारसी लोक अभियोजन सावक जमशेद जी के रूप में रणवीर शोरी, पूजा के रूप में गुलपनाग, रोहन विनोद मेहरा एस बीरबल चौधरी, नीरज सिन्हा के रूप में आरिफ चकारिया, अमित के रूप में शुष्कालका, न्यायाधीश के रूप में संजय गुरबख्सयानी। इसकी विज्ञप्ति Z5 ने 1 दिसंबर 2021 को ट्रेलर लॉन्च करने की घोषणा की और यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज़ होगी। इस फिल्म का स्वागत समारोह ABP न्यूज़ के जोगिंदर स्टूडियो ने इसे 3.5/5 स्टार देते हुए कहा कि फिल्म एक यथार्थवादी नाटक है जो अब्बास मस्तान वर्ग के एक नाखून काटने वाले थ्रिलर को हो सकती है। फिल्म को करीब से देखे तो खासकर आखिरी 15 मिनट में इतनी जल्दी पूरी हो जाती है। कुल मिलकर फिल्म में एक रोमांचक घड़ी बनाने के लिए 90 मिनट के भीतर बहुत सारे विवरण भरे हुए हैं। द टाइम ऑफ इंडिया में हीरेन कोटवान ने फिल्म को एक आकर्षण घड़ी बताते हुए 3/5 स्टार दिए हैं और निर्देशक ने पहले फ्रेश से कहानी प्राप्त करने में फुटेज पर कोई समय बर्बाद नहीं किया और कुछ समय ट्विस्ट के साथ कहानी को कुशलता से संभाला है। यह बिना अंतराल या अनावश्यक उबाऊ तत्वों के एक अच्छी घड़ी है। जागरण के मनोज विशिष्ट ने यह कहते हुए 3/5 स्टार दिए हैं कि फिल्म एक बेहतरीन कोर्ट स्टोरी, अच्छा प्रदर्शन और बिना शेर के है। यह अधूरा या फैला हुआ नहीं दिखता है। सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को अच्छे अभिनय से न्याय दिया है और दृश्यों की सादगी और वास्तविकता प्रभावशाली थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। 420 IPC इंगेजिंग कोर्ट रूम ड्रामा है। विनय पाठक और रणवीर शोरी स्टार 420 IPC Z5 में रिलीज किया गया है। एडविस्ट सुभाष 3 दिसंबर 2021 420 IPC ट्रेलर रिलीज की तारीख OTT स्टार कॉस्ट कहानी और अधिक जागरण टाइम 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। 420 IPC ट्रेलर धोखाधड़ी के आरोपी एक अकाउंटेंट ने एक युवा वकील के साथ उद्धारकर्ता पाया है। OTT प्ले 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेता रणवीर शोरी के विषय में। रणवीर शोरी एक भारतीय अभिनेता और पूर्व VJ हैं जो हिंदी फिल्मों और टेलीविज़न में काम करते हैं। एक छोटी सी लव स्टोरी में उन्होंने अपनी शुरुआत के बाद से उन्होंने जिस्म और लक्ष्य जैसी कई हाई प्रोफाइल फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों जैसे ट्रैफिक सिग्नल, भेजा फ्राई और महत्वपूर्ण व्यावसायिक हिट मिथ्या में भी अभिनय किया है। रणवीर शोरी का जन्म जलंधर पंजाब भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता है और उनका सक्रिय वर्ष 2002 से वर्तमान तक है। उनकी जीवन साथी कोकना सेन शर्मा है जिनसे उन्होंने 2010 में विवाह किया और 2020 में भी डिवोर्स लिया है। उनका एक बच्चा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं रणवीर शोरी के कैरियर के विषय में। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत अपने दोस्त और सह अभिनेता विनय पाठक के साथ की थी। वह सफल टॉक शो रणवीर विनय और कौन के होस्ट थे। द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो जो Star 1 पर प्रसारित हुआ है। उन्होंने मनीषा कोइराला के साथ एक छोटी सी लव स्टोरी में अपनी शुरुआत की। इसके उनकी अगली फिल्म जिसमें हिट रही लेकिन उनकी एक छोटी भूमिका थी। यह 2006 तक नहीं थी। जब उन्हें कॉमेडी खोसला का घोषणा में देखा गया तब उन्हें बहुत प्रशंसा मिली और उनकी हास्य भूमिका की भी प्रशंसा की गई। उन्होंने कॉमेडी प्यार के साइड इफेक्ट में राहुल बोस के साथ अपनी मजाकिया दोस्त के साथ के रूप में नानू की भूमिका निभाई। वह मल्टी स्टार हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड में दिखाई दी और लिमिटेड को मामूली रूप से सफल रहा। वह आजा नचली नामक यशराज फिल्म में दिखाई दी जिसमें 2007 में रिलीज हुई थी। मिथ्या जिसे 2008 में रिलीज किया गया था में उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में रणवीर शोरी है जो उन्हें समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। 2008 में रणवीर को अगली और पगली और बॉक्स ऑफिस हिट सिंग इज किंग जैसी फिल्मों में देखा गया था। उन्होंने 420 IPC मनीष गुप्ता द्वारा निर्देशित
और लिखित एक सन 2021 भारतीय हिंदी भाषा की सस्पेंशन ड्रामा फिल्म है। जी स्टूडियो और राजेश केजरीवाल और गुरपाल सच्चर द्वारा प्रोडक्शन हाउस कैजुअल डिजिटल पीएम के साथ निर्मित है। इसमें विनय पाठक, रणवीर, शौरी, गुल पनाग और रोहन विनोद मेहरा प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का प्रीमियर 17 दिसंबर 2021 को G5 पर हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इसके मुख्य निर्देशक हैं मनीष गुप्ता और यह मनीष गुप्ता द्वारा लिखित कहानी है। इस फिल्म के निर्माता है जी स्टूडियोज़, राजेश केजरीवाल, गुरपाल सच्चर और इस फिल्म में अभिनय किया है विनय पाठक, रणवीर शौरी, गुल पनागी, रोहन विनोद मेहरा। इस फिल्म का छायाकार राज चक्रवर्ती ने किया है और यह फिल्म अर्चित रस्तोगी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है दास गुप्ता की तरह और उत्पादन कंपनियां हैं इसकी जी स्टूडियो कैरियर डिजिटल PL। इस फिल्म को वितरित किया है Z5 ने और इसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 2021 है। इसका कार्यकारी समय 98 मिनट और यह भारत देश में हिंदी भाषा में वितरित की गई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बंसी केजवानी के इर्द गिर्द घूमते जिसे आर्थिक अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है। दंड संहिता 420 धोखाधड़ी से संबंधित है। इस फिल्म के फेंकना विनय पाठक एज बंसी केजवानी, पारसी लोक अभियोजन सावक जमशेद जी के रूप में रणवीर शौरी, पूजा के रूप में गुल पनाग, रोहन विनोद मेहरा, एस बीरबल चौधरी, नीरज सिन्हा के रूप में आरिफ जकारिया, अमित के रूप में शुष्काल का न्यायाधीश के रूप में संजय गुरबख्सियानी। इसकी विज्ञप्ति Z5 ने 1 दिसंबर 2021 को ट्रेलर लॉन्च करने की घोषणा की और यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होगी। इस फिल्म का स्वागत समारोह ABP न्यूज़ के जोगिंदर स्टूडियो ने इसे 3.5/5 स्टार देते हुए कहा कि फिल्म एक यथार्थवादी नाटक है जो अब्बास मस्तान वर्ग के एक नाखून काटने वाले थ्रिलर को हो सकती है। फिल्म को करीब से देखें तो खासकर आखिरी 15 मिनट में इतनी जल्दी पूरी हो जाती है। कुल मिलकर फिल्म में एक रोमांचक घड़ी बनाने के लिए 90 मिनट के भीतर बहुत सारे विवरण भरे हुए हैं। द टाइम ऑफ इंडिया में हीरेन कोटवानी ने फिल्म को एक आकर्षण घड़ी बताते हुए 3/5 स्टार दिए हैं और निर्देशक ने पहले फ्रेश से कहानी प्राप्त करने में फुटेज पर कोई समय बर्बाद नहीं किया और कुछ समय ट्विस्ट के साथ कहानी को कुशलता से संभाला है। यह बिना अंतराल या अनावश्यक उबाऊ तत्वों की एक अच्छी घड़ी है। जागरण के मनोज विशिष्ट ने यह कहते हुए 3/5 स्टार दिए हैं कि फिल्म एक बेहतरीन कोर्ट स्टोरी, अच्छा प्रदर्शन और बिना शेर के है। यह अधूरा या फैला हुआ नहीं दिखता है। सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को अच्छे अभिनय से न्याय दिया है और दृश्यों की सादगी और वास्तविकता प्रभावशाली थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। 420 IPC इंगेजिंग कोर्ट रूम ड्रामा है। विनय पाठक और रणवीर शौरी स्टार 420 IPC Z5 में रिलीज किया गया है। एडबिस्ट सुभाष 3 दिसंबर 2021 420 IPC ट्रेलर रिलीज की तारीख OTT स्टार कॉस्ट कहानी और अधिक जागरण टाइम 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। 420 IPC ट्रेलर धोखाधड़ी के आरोपी एक अकाउंटेंट ने एक युवा वकील के साथ उद्धारकर्ता पाया है। OTT प्ले 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेता रणवीर शौरी के विषय में। रणवीर शौरी एक भारतीय अभिनेता और पूर्व VJ हैं जो हिंदी फिल्मों और टेलीविज़न में काम करते हैं। एक छोटी सी लव स्टोरी में उन्होंने अपनी शुरुआत के बाद से उन्होंने जिस्म और लक्ष्य जैसी कई हाई प्रोफाइल फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों जैसे ट्रैफिक सिग्नल, भेजा फ्राई और महत्वपूर्ण व्यावसायिक हिट मित्या में भी अभिनय किया है। रणवीर शौरी का जन्म जलंधर पंजाब भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता है और उनका सक्रिय वर्ष 2002 से वर्तमान तक है। उनके जीवन साथी कोकना सेन शर्मा है जिनसे उन्होंने 2010 में विवाह किया और 2020 में डिवोर्स लिया है। उनका एक बच्चा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं रणवीर शौरी के कैरियर के विषय में। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत अपने दोस्त और सह अभिनेता विनय पाठक के साथ की थी। वह सफल टॉक शो रणवीर विनय और कौन
कौन के होस्ट थे? द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो जो स्टार वन पर प्रसारित हुआ है, उन्होंने मनीषा कोइराला के साथ एक छोटी सी लव स्टोरी में अपनी शुरुआत की। इसके उनकी अगली फिल्म जिसमें हिट रही लेकिन उनकी एक छोटी भूमिका थी। यह सन 2006 तक नहीं थी। जब उन्हें कॉमेडी खोसला का घोसला में देखा गया तब उन्हें बहुत प्रशंसा मिली और उनकी हास्य भूमिका की भी प्रशंसा की गई। उन्होंने कॉमेडी प्यार के साइड इफेक्ट में राहुल बोस के साथ अपनी मजाकिया दोस्त के साथ के रूप में नानू की भूमिका निभाई। वह मल्टी स्टार हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड में दिखाई दिए और लिमिटेड को मामूली रूप से सफल रहा। वह आजा नचली नामक यशराज फिल्म में दिखाई दिए जिसमें नवंबर 2007 में रिलीज हुई थी। मिथ्या जिसे फरवरी 2008 में रिलीज किया गया था में उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में रणवीर शोरी हैं जो उन्हें समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। 2008 में रणवीर को अगली और पगली और बॉक्स ऑफिस हिट सिंग इज किंग जैसी फिल्मों में देखा गया था। उन्होंने 420 IPC मनीष गुप्ता द्वारा निर्देशित और लिखित एक 2021 भारतीय हिंदी भाषा की सस्पेंस ड्रामा फिल्म है। जी स्टूडियो और राजेश केजरीवाल और गुरपाल सच्चर द्वारा प्रोडक्शन हाउस कैजुअल डिजिटल PM के साथ निर्मित है। इसमें विनय पाठक, रणवीर शोरी, गुल पनाग और रोहन विनोद मेहरा प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का प्रीमियर 17 दिसंबर 2021 को G5 पर हुआ है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इसके मुख्य निर्देशक हैं मनीष गुप्ता और यह मनीष गुप्ता द्वारा लिखित कहानी है। इस फिल्म के निर्माता है जी स्टूडियोज़, राजेश केजरीवाल, गुरपाल सच्चर और इस फिल्म में अभिनय किया है विनय पाठक, रणवीर शोरी, गुल पानागी, रोहन विनोद मेहरा। इस फिल्म का छायाकार राज चक्रवर्ती ने किया है और यह फिल्म अर्चित रस्तोगी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है दास गुप्ता की तरह और उत्पादन कंपनियां हैं इसकी जी स्टूडियोज़, कैरियर डिजिटल PL। इस फिल्म को वितरित किया है G5 ने और इसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 2021 है। इसका कार्यकारी समय 98 मिनट और यह भारत देश में हिंदी भाषा में वितरित की गई है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बंसी केजवानी के इर्द गिर्द घूमते जिसे आर्थिक अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है। दंड संहिता 420 धोखाधड़ी से संबंधित है। इस फिल्म के फेंकना विनय पाठक एज बंसी केजवानी, पारसी लोक अभियोजन सावक जमशेद जी के रूप में रणवीर शोरी, पूजा के रूप में गुल पनाग, रोहन विनोद मेहरा, एस बीरबल चौधरी, नीरज सिन्हा के रूप में आरिफ जकारिया, अमित के रूप में शुष्काल का न्यायाधीश के रूप में संजय गुरबख्सियानी। इसकी विज्ञप्ति G5 ने 1 दिसंबर 2021 को ट्रेलर लॉन्च करने की घोषणा की और यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होगी। इस फिल्म का स्वागत समारोह ABP न्यूज़ के जोगिंदर स्टूडियो ने इसे 3.5/5 स्टार देते हुए कहा कि फिल्म एक यथार्थवादी नाटक है जो अब्बास मस्तान वर्ग के एक नाखून काटने वाले थ्रिलर को हो सकती है। फिल्म को करीब से देखें तो खासकर आखिरी 15 मिनट में इतनी जल्दी पूरी हो जाती है। कुल मिलकर फिल्म में एक रोमांचक घड़ी बनाने के लिए 90 मिनट के भीतर बहुत सारे विवरण भरे हुए हैं। द टाइम ऑफ इंडिया में हीरेन कोटवानी ने फिल्म को एक आकर्षण घड़ी बताते हुए 3/5 स्टार दिए हैं और निर्देशक ने पहले फ्रेश से कहानी प्राप्त करने में फुटेज पर कोई समय बर्बाद नहीं किया और कुछ समय ट्विस्ट के साथ कहानी को कुशलता से संभाला है। यह बिना अंतराल या अनावश्यक उबाऊ तत्वों की एक अच्छी घड़ी है। जागरण के मनोज विशिष्ट ने यह कहते हुए 3/5 स्टार दिए हैं कि फिल्म एक बेहतरीन कोर्ट स्टोरी, अच्छा प्रदर्शन और बिना शेर के है। यह अधूरा या फैला हुआ नहीं दिखता है। सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को अच्छे अभिनय से न्याय दिया है और दृश्यों की सादगी और वास्तविकता प्रभावशाली थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। 420 IPC इंगेजिंग कोर्ट रूम ड्रामा है। विनय पाठक और रणवीर शोरी स्टार 420 IPC G5 में रिलीज किया गया है। एडबिस्ट सुभाष 3 दिसंबर 2021 420 IPC ट्रेलर रिलीज की तारीख OTT स्टार कॉस्ट कहानी और अधिक जागरण टाइम 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। 420 IPC ट्रेलर धोखाधड़ी के आरोपी एक अकाउंटेंट ने एक युवा वकील के साथ
उधारकर्ता पाया है। OTT Play 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेता रणवीर शौरी के विषय में। रणवीर शौरी एक भारतीय अभिनेता और पूर्व VJ हैं जो हिंदी फिल्मों और टेलीविज़न में काम करते हैं। एक छोटी सी लव स्टोरी में उन्होंने अपनी शुरुआत के बाद से उन्होंने जिस्म और लक्ष्य जैसी कई हाई प्रोफाइल फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों जैसे ट्रैफिक सिग्नल, भेजा फ्राई और महत्वपूर्ण व्यावसायिक हिट मिथ्या में भी अभिनय किया है। रणवीर शौरी का जन्म जलंधर पंजाब भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता है और उनका सक्रिय वर्ष 2002 से वर्तमान तक है। उनकी जीवन साथी कोकना सेन शर्मा है जिनसे उन्होंने 2010 में विवाह किया और 2020 में डिवोर्स लिया है। उनका एक बच्चा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं रणवीर शौरी के कैरियर के विषय में। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत अपने दोस्त और सह अभिनेता विनय पाठक के साथ की थी। वह सफल टॉक शो रणवीर, विनय और कौन के होस्ट थे। द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो जो स्टार 1 पर प्रसारित हुआ है। उन्होंने मनीषा कोइराला के साथ एक छोटी सी लव स्टोरी में अपनी शुरुआत की। इसके उनकी अगली फिल्म जिसमें हिट रही लेकिन उनकी एक छोटी भूमिका थी। यह 2006 तक नहीं थी। जब उन्हें कॉमेडी खोसला का घोषणा में देखा गया तब उन्हें बहुत प्रशंसा मिली और उनकी हास्य भूमिका की भी प्रशंसा की गई। उन्होंने कॉमेडी प्यार के साइड इफेक्ट में राहुल बोस के साथ अपनी मजाकिया दोस्त के साथ के रूप में नानू की भूमिका निभाई। वह मल्टी स्टार हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड में दिखाई दी और लिमिटेड को मामूली रूप से सफल रहा। वह आजा नचली नामक यशराज फिल्म में दिखाई दी जिसमें 2007 में रिलीज हुई थी। मिथ्या जिसे 2008 में रिलीज किया गया था में उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में रणवीर शौरी हैं जो उन्हें समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। 2008 में रणवीर को अगली और पगली और बॉक्स ऑफिस हिट सिंह इज किंग जैसी फिल्मों में देखा गया था। उन्होंने 420 IPC मनीष गुप्ता द्वारा निर्देशित और लिखित एक 2021 भारतीय हिंदी भाषा की सस्पेंस ड्रामा फिल्म है। जी स्टूडियो और राजेश केजरीवाल और गुरपाल सच्चर द्वारा प्रोडक्शन हाउस कैजुअल डिजिटल PM के साथ निर्मित है। इसमें विनय पाठक, रणवीर शौरी, गुल पनाग और रोहन विनोद मेहरा प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का प्रीमियर 17 दिसंबर 2021 को G5 पर हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इसके मुख्य निर्देशक हैं मनीष गुप्ता और यह मनीष गुप्ता द्वारा लिखित कहानी है। इस फिल्म के निर्माता है जी स्टूडियोज़, राजेश केजरीवाल, गुरपाल सच्चर और इस फिल्म में अभिनय किया है विनय पाठक, रणवीर शौरी, गुल पानागी, रोहन विनोद मेहरा। इस फिल्म का छायाकार राज चक्रवर्ती ने किया और यह फिल्म अर्चित रस्तोगी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है दास गुप्ता की तरह और उत्पादन कंपनियां हैं इसकी जी स्टूडियो कैरियर डिजिटल PL। इस फिल्म को वितरित किया है Z5 ने और इसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 2021 है। इसका कार्यकारी समय 98 मिनट और यह भारत देश में हिंदी भाषा में वितरित की गई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बंसी केजवानी के इर्द गिर्द घूमते जिसे आर्थिक अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है। दंड संहिता 420 धोखाधड़ी से संबंधित है। इस फिल्म के फेकना विनय पाठक एज बंसी केजवानी, पारसी लोक कभी उसन सावक जमशेद जी के रूप में रणवीर शौरी, पूजा के रूप में गुल पनाग, रोहन विनोद मेहरा, एस बीरबल चौधरी, नीरज सिन्हा के रूप में आरिफ जकारिया, अमित के रूप में शुष्काल का न्यायाधीश के रूप में संजय गुरबख्सियानी। इसकी विज्ञप्ति Z5 ने 1 दिसंबर 2021 को ट्रेलर लॉन्च करने की घोषणा की और यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होगी। इस फिल्म का स्वागत समारोह ABP न्यूज़ के जोगिंदर स्टूडियो ने इसे 3.5/5 स्टार देते हुए कहा कि फिल्म एक यथार्थवादी नाटक है जो अब्बास मस्तान वर्ग के एक नाखून काटने वाले थ्रिलर को हो सकती है। फिल्म को करीब से देखे तो खासकर आखिरी 15 मिनट में इतनी जल्दी पूरी हो जाती है। कुल मिलकर फिल्म में एक रोमांचक घड़ी बनाने के लिए 90 मिनट के भीतर बहुत सारे विवरण भरे हुए हैं।
द टाइम ऑफ इंडिया में हीरेन कोट ने फिल्म को एक आकर्षण घड़ी बताते हुए 3/5 स्टार दिए हैं और निर्देशक ने पहले फ्रेंड से कहानी प्राप्त करने में फुटेज पर कोई समय बर्बाद नहीं किया और कुछ समय ट्विस्ट के साथ कहानी को कुशलता से संभाला है। यह बिना अंतराल या अनावश्यक उबाऊ तत्वों की एक अच्छी घड़ी है। जागरण के मनोज विशिष्ट ने यह कहते हुए 3/5 स्टार दी हैं कि फिल्म एक बेहतरीन कोर्ट स्टोरी, अच्छा प्रदर्शन और बिना शेर के है। यह अधूरा या फैला हुआ नहीं दिखता है। सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को अच्छे अभिनय से न्याय दिया है और दृश्यों की सादगी और वास्तविकता प्रभावशाली थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। 420 IPC इंगेजिंग कोर्ट रूम ड्रामा है। विनय पाठक और रणवीर सूरी स्टार 420 IPC Z5 में रिलीज किया गया है। एडबिस्ट सुभाष 3 दिसंबर 2021 420 IPC ट्रेलर रिलीज की तारीख OTT स्टार कॉस्ट कहानी और अधिक जागरण टाइम 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। 420 IPC ट्रेलर धोखाधड़ी के आरोपी एक अकाउंटेंट ने एक युवा वकील के साथ उद्धारकर्ता पाया है। OTT प्ले 6 दिसंबर 2021 को लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के अभिनेता रणवीर शौरी के विषय में। रणवीर शौरी एक भारतीय अभिनेता और पूर्व VJ हैं जो हिंदी फिल्मों और टेलीविज़न में काम करते हैं। एक छोटी सी लव स्टोरी में उन्होंने अपनी शुरुआत के बाद से उन्होंने जिस्म और लक्ष्य जैसी कई हाई प्रोफाइल फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों जैसे ट्रैफिक सिग्नल, भेजा फ्राई और महत्वपूर्ण व्यावसायिक हिट मित्या में भी अभिनय किया है। रणवीर शौरी का जन्म जलंधर पंजाब भारत में हुआ है। यह व्यवसाय से अभिनेता है और उनका सक्रिय वर्ष 2002 से वर्तमान तक है। उनके जीवन साथी कोकना सेन शर्मा है जिनसे उन्होंने 2010 में विवाह किया और 2020 में डिवोर्स लिया है। उनका एक बच्चा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं रणवीर शौरी के कैरियर के विषय में। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत अपने दोस्त और सह अभिनेता विनय पाठक के साथ की थी। वह सफल टॉक शो रणवीर, विनय और कौन के होस्ट थे। द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो जो स्टार 1 पर प्रसारित हुआ है। उन्होंने मनीषा कोइराला के साथ एक छोटी सी लव स्टोरी में अपनी शुरुआत की। इसके उनकी अगली फिल्म जिसमें हिट रही लेकिन उनकी एक छोटी भूमिका थी। यह 2006 तक नहीं थी। जब उन्हें कॉमेडी खोसला का घोसला में देखा गया तब उन्हें बहुत प्रशंसा मिली और उनकी हास्य भूमिका की भी प्रशंसा की गई। उन्होंने कॉमेडी प्यार के साइड इफेक्ट में राहुल बोस के साथ अपनी मजाकिया दोस्त के साथ के रूप में नानू की भूमिका निभाई। वह मल्टी स्टार हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड में दिखाई दी और लिमिटेड को मामूली रूप से सफल रहा। वह आजा नचली नामक यशराज फिल्म में दिखाई दी जिसमें 2007 में रिलीज हुई थी। मिथ्या जिसे 2008 में रिलीज किया गया था में उन्हें मुख्य अभिनेता के रूप में रणवीर शौरी है जो उन्हें समीक्षकों द्वारा सराहा गया है। 2008 में रणवीर को अगली और पगली और बॉक्स ऑफिस हिट सिंह इज किंग जैसी फिल्मों में देखा गया था। उन्होंने 420 IPC मनीष गुप्ता द्वारा निर्देशित और लिखित एक 2021 भारतीय हिंदी भाषा की सस्पेंसर ड्रामा फिल्म है। जी स्टूडियो और राजेश केजरीवाल और गुरपाल सच्चर द्वारा प्रोडक्शन हाउस कैजुअल डिजिटल PM के साथ निर्मित है। इसमें विनय पाठक, रणवीर शौरी, गुल पनाग और रोहन विनोद मेहरा प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का प्रीमियर 17 दिसंबर 2021 को G5 पर हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इसके मुख्य निर्देशक हैं मनीष गुप्ता और यह मनीष गुप्ता द्वारा लिखित कहानी है। इस फिल्म के निर्माता है जी स्टूडियोज और राजेश केजरीवाल, गुरपाल सच्चर और इस फिल्म में अभिनय किया है विनय पाठक, रणवीर शौरी, गुल पानागी, रोहन विनोद मेहरा। इस फिल्म का छायाकार राज चक्रवर्ती ने किया और यह फिल्म अर्चित रस्तोगी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है दास गुप्ता की तरह और उत्पादन कंपनियां हैं इसकी जी स्टूडियोज़ कैरियर डिजिटल PL। इस फिल्म को वितरित किया है Z5 ने और इसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 2021 है। इसका कार्यकारी समय 98 मिनट और यह भारत देश में हिंदी भाषा में वितरित की गई है।
चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। कहानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बंसी केजवानी के इर्द गिर्द घूमते जिसे आर्थिक अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है। दंड संहिता 420 धोखाधड़ी से संबंधित है। इस फिल्म के फेंकना विनय पाठक एज बंसी केजवानी, पारसी लोक कबीर हुसैन सावक जमशेद जी के रूप में रणवीर शोरी, पूजा के रूप में गुलपनाग, रोहन विनोद मेहरा, एस बी बल चौधरी, नीरज सिन्हा के रूप में आरिफ जकारिया, अमित के रूप में शुष्कालका, न्यायाधीश के रूप में संजय गुरबख्सियानी। इसकी विज्ञप्ति Z5 ने 1 दिसंबर 2021 को ट्रेलर लॉन्च करने की घोषणा की और यह फिल्म 17 दिसंबर 2021 को रिलीज होगी। इस फिल्म का स्वागत समारोह ABP न्यूज़ के जोगिंदर स्टूडियो ने इसे 3.5/5 स्टार देते हुए कहा कि फिल्म एक यथार्थवादी नाटक है जो अब्बास मस्तान वर्ग के एक नाखून काटने वाले थ्रिलर को हो सकती है। फिल्म को करीब से देखे तो खासकर आखिरी 15 मिनट में इतनी जल्दी पूरी हो जाती है। कुल मिलकर फिल्म में एक रोमांचक घड़ी बनाने के लिए 90 मिनट के भीतर बहुत सारे विवरण भरे हुए हैं। द टाइम ऑफ इंडिया में हीरेन कोटवानी ने फिल्म को एक आकर्षण घड़ी बताते हुए 3/5 स्टार दिए हैं और निर्देशक ने पहले फ्रेज से कहानी प्राप्त करने में फुटेज पर कोई समय बर्बाद नहीं किया और कुछ समय ट्विस्ट के साथ कहानी को कुशलता से संभाला है। यह बिना अंतराल या अनावश्यक उबाऊ तत्वों की एक अच्छी घड़ी है। जागरण के मनोज विशिष्ट ने यह कहते हुए 3/5 स्टार दी हैं कि फिल्म एक बेहतरीन कोर्ट स्टोरी, अच्छा प्रदर्शन और बिना शेर के है। यह अधूरा या फैला हुआ नहीं दिखता है। सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को अच्छे अभिनय से न्याय दिया है और दृश्यों की सादगी और वास्तविकता प्रभावशाली थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। 420 IPC इंगेजिंग कोर्ट रूम ड्रामा है। विनय पाठक और रणवीर सूरी